Welcome to M-Pesa Esports. As you all know about M-Pesa Esports and what we are known for, and if not, let me show you what do we do and what we are known for and what we have in our arsenal. Looking for a caster or a GFX designer, so you stumbled on the right video. Captain Mecklen. Everybody knows him as Captain. A professional versatile esports caster. A game analyzer. A game coach also. यहाँ पे फिनिश ऑफ हो चुके हैं तो दिक्कत का माहौल इस टीम के लिए बनता है। शॉट जहाँ पे कवर लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई देंगे, शॉट जाते हुए दिखाई देंगे डिवाइन को, वन मोर शॉट एंड द गेम इज ओवर। तो वो दिखाई दिया नियो के साथ, लेकिन गेम प्ले को यहाँ पे परफॉर्म करने की यहाँ पे जॉनी का बहुत ही लेजर स्प्रे देखने को यहाँ पे मिलता हुआ। इस लेजर स्प्रे को देखने के तो दुनिया तरसती है, बहुत ज्यादा एक्सलेंट वे में पुश लगाकर और अननोन को पूरा पूरा फिनिश ऑफ करने में रहे पूरे के पूरे कामयाब। बर्निंग आउट, एवरीबॉडी नोज हिम एज पाजी, फर्स्ट हिमाचली स्ट्रीमर, पंजाबी स्टाइल सुपर कास्टर एंड अ गुड गेमर। एक सिचुएशन यहां पे टीम नंबर 4 भी यहां पे जो थर्ड पोजीशन सिक्योर करने में यहां पे कामयाब हो चुकी है, लेकिन अभी देखते हैं कौन सी टीम यहां पे चिकन डिनर ले पाती है। हार्ड कार्ड एडवांटेज की बात करें तो टीम नंबर 4 के ऊपर यहां पे हार्ड कार्ड एडवांटेज है, लेकिन इनका जोन यहां पे कट चुका है। डायवोलियो, नोन एज डायवोलियो GFX, एडवांस्ड एनिमेटेड लोगो, थंबनेल, इंट्रो डिजाइनर, वेल ट्रेंड, मल्टी टैलेंटेड एडिटर। Wild Raja, known as the backbone of M-Pesa, the manager, a gamer and the fixer, every esports stuff you need for your tournament and scrims, he can manage our organization. So hurry up, contact us, number and social media handles on the screen and in our description too. Thank you, stay tuned for more updates. तो हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका कास्टर कैप्टन मैकलेन करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत। और बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आज जो सीज़न होने वाला है, जैसे कि आप लोगों ने अपकमिंग वे में देख ही लिया होगा, तो मैच जो आज शुरू होने वाला है वो है हमारा, आप लोग सब बी आर लेशिट को बहुत अच्छे से जानते हो, तो बी आर लेशिट प्रेजेंट्स समर कप सीजन 1। तो ये होने वाला है बहुत ज़्यादा शानदार और बहुत ज़्यादा बेहतरीन गेम प्ले, और इसके अंदर आपकी काफ़ी जो है बहुत सी जो है एक्साइटिंग नई नई टीम्स हमें देखने को यहाँ पे मिलती हुई नज़र आएंगी। तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा धमाकेदार एक्शन होने वाला है, क्योंकि क्वालिफायर राउंड्स का पहला मैच जो मैं कास्ट कर रहा हूँ, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका कास्टर कैप्टन मैकलेन, जो अभी आपने ट्रेलर में ऑलरेडी देख ही लिया होगा,
तो चलिए एक काम करते हैं, जब तक आईडी पास हमारे पास यहाँ पे आता है तब तक हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और टीम्स के बारे में भी जान लेते हैं कि कौन कौन सी टीमें जो है हमें यहाँ पे देखने को आज मिलने वाली हैं। तो आप लोग सब जैसे कि जानते ही हैं कि बाकी टीम्स जो है बहुत बहुत बढ़िया गेम प्ले उन लोगों का होता है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन लोगों की टीम्स की तरफ से देखने को मिलती है, क्योंकि नई नई टीम्स का हमेशा इंट्रोड्यूस हमें तो मिलता ही रहता है और काफ़ी ऐसी बैकअप के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और शानदार टीम्स हम लोगों को ऐसी देखने को वहाँ पे मिलती हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आए और बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन और एक्सीलेंट गेम प्ले हम लोगों को भी देखने को मिले। तो ये चीज़ आप लोगों के साथ साथ मैं भी बहुत देखना पसंद करता हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है मतलब ये सब चीज़ें देखने में। तो बस मैं यही कहूँगा आप लोगों से, तो हमारे साथ यहाँ पे मैसेज जुड़ चुके हैं तो एक बार बात कर लेते हैं इनसे। हेलो 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 मैसी भाई, क्या हाल चाल है? तो गाइस हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं मैसी डेस्टिनी और डेस्परेट ब्रदर, और इस समय हमारे पास यहाँ स्ट्रीम कर रहे हैं क्या? हाँ, एक कास्टिंग है। ओके ओके, तो बिल्कुल इनका स्वागत कीजिए। तो हेलो गाइस, सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो आप मैसी भाई को तो जानते ही हैं, तो डेस्परेट भाई पहले साथ पहली बार जुड़े हैं और डेस्टिनी भी हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं, तो एक बार यार हेलो कह दीजिए मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को और मेरे व्यूअर्स को, हेलो कह दीजिए आप लोग। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो, चलो चलो खेलते हैं। ऑलराइट, तो चलिए फटाफट से मैं करता हूँ यहाँ पे कास्टिंग और आप लोग लीजिए गेम का मजा। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी देर में, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने रेडी नहीं किया है फिर भी एमसीलिन? मैं एक्चुअली मैं अभी जब व्यूअर से बात कर रहा हूँ और कास्टिंग चलेगी ना अभी मेरी, इसलिए गेम नहीं खेल पाऊंगा। ओह अच्छा अच्छा, ओके ओके ब्रदर। किसका किसका है? किसका है? बी आई आला चट। ओके ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके ओके ब्रो, थैंक यू। तो आपने अभी देखा है हमारे साथ यहाँ पे जुड़े थे मैसी भाई और काज, उनके दो तीन फ्रेंड और जुड़े हुए थे, तो गेम का थोड़ा सा था। तो फटाफट से हम एक काम करते हैं, यहाँ पे टीम्स के बारे में बात कर लेते हैं और टीम्स हमारे साथ कौन कौन सी, जो नए ज्यादा से ज्यादा जो नई नई टीमें हमारे साथ जुड़ के यहाँ पे दिखेंगी वो चीज भी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रुप ए है, ग्रुप के अंदर हमारा स्लॉट 5 से लेकर स्लॉट 24 तक हमें यहाँ पे टीम्स जो देखने को मिलने वाली है उनके नाम फटाफट से मैं बताया। तो फिफ्थ स्लॉट पे हमारे साथ यहाँ पे देखेंगे विंटॉक्स एलाइट, सिक्स पे हमें देखने को मिलेगी 69XM, सेवन पे हमें देखने को मिलेगी ज़ेनिथ ईस्पोर्ट्स, एट पे है थीफ, नाइन पे है यहाँ पे लॉस फ्रैगल्स, टेन पे है यहाँ पे कैसिनेक्स ईस्पोर्ट्स, इलेवन पे है यहाँ पे थंडरवुल्व्स, ट्वेल्व पे है यहाँ पे द नॉकआउट, थर्टीन पे है यहाँ पे कॉम्बैट ऑफिशियल्स, फोर्टीन पे है बीएलएक्स टीम, फिफ्टीन पे है अल्ट्रा वॉलेट, सिक्सटीन पे है यहाँ पे आपकी गॉड स्टेट ईस्पोर्ट्स, सेवनटीन पे है यहाँ पे Falcon Rise Esports, 18 पे है Storm Officials, 19 पे है यहाँ पे NNE is Explosive, 20 पे है यहाँ पे Bluebird XM Esports, 21 पे है Rip Officials, 22 पे यहाँ पे Seas of Ages, 23 पे है यहाँ पे Deal Deal और 24 पे यहाँ पे X29OP। तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा यहाँ पे आने वाला है और हमारा ये जो प्राइस पूल के लिए यहाँ पे होने वाला है ये है हमारा 13,000 का पूल प्राइस है। तो बहुत ज़्यादा ही शानदार एक्शन पैक गेम प्ले आप लोगों को तो देखने को मिलेगा क्योंकि बीआर लेचिट है और आप लोग सब जानते ही हैं बीआर लेचिट को, तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन और शानदार गेम प्ले होने वाला है। तो फटाफट से हम लोग भी यही देखना की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे कि टीम्स हमारे साथ यहाँ पे जुड़ जाएं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अच्छे से अच्छा गेम प्ले देने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा तो आप लोगों को एक अच्छी कास्टिंग देने की पूरी कोशिश करूँगा। देखेंगे कि बाकी की टीम्स यहाँ पे जो नई नई टीम्स जुड़ी हुई, क्योंकि पुरानी बाकी की टीम्स को जो हम लोगों ने कास्ट करा हुआ है तो उसमें वहाँ पे टीम्स कौन कौन सी जो है वो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, क्योंकि काफ़ी टीमों की हमने रश वाली भी देखी है, पैसिव स्ट्रेटेजी भी देखी हुई है, साथ के साथ एक जोन जिसे कहते हैं जोन फ्रीक भी देखा हुआ है और अंदर काफ़ी चीज़ जो है कंडक्ट होती हुई चीज़ें हमने देखी, थर्ड पार्टी भी कंडक्ट होती हुई देखी है हमने, पैसिव गेम प्ले भी हम लोगों ने प्रॉपरली वहाँ पे देखा, रश गेम प्ले तो जैसे हम लोग अभी बात करी थोड़ी देर पहले तो वो भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को बहुत 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 ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि हर एक टीम का हर एक लेवल का एक अच्छा और एक बहुत ज़्यादा सडन गेम प्ले देखने को मिल जाता है। तो मैं एक हमारे साथ और जुड़ रहे हैं तो मैं बात कर लेता हूँ इनसे भी, एक मिनट का टाइम। हेलो स्माइली ब्रदर, क्या हाल है? बढ़िया भाई, हाँ बताओ। बस मैं बढ़िया हूँ यार, अभी कास्टिंग की तैयारी कर रहा हूँ और आप लोग आप आ गए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया।
तो मेरे व्यूवर्स को हेलो कह दीजिए इसी बात पे। हेलो एवरीवन, ये हमारे ZGX स्माइली हैं, आपने इनको गेम प्ले खेलते हुए देखा होगा BL Legit में भी, और इसमें भी आपकी टीम खेल रही है ना? वैसे इसमें अभी नहीं खेल रही है, हमारी दूसरी खेल ली अभी। ओके 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 ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए मैं कास्ट करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे। ओके ठीक है ओके। तो आपने देखा काफी टीम्स हमारे साथ यहाँ पे धीरे धीरे जुड़ती चली आ रही हैं, और बहुत ही अच्छा गेम प्लान यहाँ पे टीम के द्वारा बनता हुआ चला आ रहा है। तो फटा हम लोगों ने देख भी लिया है कि बाकी की टीम्स ऑनलोड कौन सी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, क्योंकि इस समय मेन यही है कि काफी जो एक्स्ट्रा जो और भी टीम्स हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हैं, तो उनका मैं गेम प्ले देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि नई नई टीम्स का आप जैसे मैंने पहले भी बोला कि बहुत अच्छी नई स्ट्रेटजीज हम लोग को देखने मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मुझे तो कास्ट करने में बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आता है उन टीम्स के लिए और उन टीम्स के थ्रू। तो हम लोग यही देखने की कोशिश बस यहाँ पे करेंगे, और बाकी देखिए BL Legit को तो आप लोग जानते हैं कि इनका जो वहाँ पे टीम्स हमारे साथ जुड़ती हैं तो उनका तो गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता ही है, और बस ID पास देखते हैं कितनी देर में आने वाला है, वो थोड़ी देर में हमें पता ऑलरेडी चली जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे 653 ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं, तो ID पास भी मतलब ऑलमोस्ट 10 मिनट के अंदर आ ही जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है 650 के आसपास आ ही जाना चाहिए। ओके ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मतलब गेम आज थोड़ा सा तो मैं पता कर लेता हूँ कि कितने बजे से मैच वगैरह शुरू होगा। तो पता लग जाएगा हम लोगों को, कोई नहीं, तब तक आप लोग एक यहाँ पे म्यूजिक सुनिए, मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलता हूँ और बात करता हूँ। ओके तो ठीक है, एंजॉय कीजिए, थोड़ी देर में मिलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कुछ डिले हुआ है, 7 तारीख को बजे सॉरी 7 PM जो है वो शुरू होना था, लेकिन 7 PM आएगा ID पास, तो उसके लिए थोड़ा 5-10 मिनट का टाइम है, उसके बाद 7:15 पे आपका मैचेस वगैरह सब कुछ शुरू हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, चलिए तब तक आप लोग लीजिए गेम का मज़ा, और उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे देखने शुरू करेंगे, और तभी हो सकता है टीम्स वगैरह आनी शुरू हो जाएं, तो इसलिए तो चलिए फिर फटाफट से, कोई बात नहीं, 7:15 तब तक आप एक म्यूजिक का मजा लीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, आप कैप्टन करें, डोंट गो एनीवेयर, एंजॉय द म्यूजिक, आई विल बी बैक। I can't stop looking up to you. I do feel the same, don't you? I think of you.
I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all in my cell. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the. वेलकम बैक गाइज, और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे वापस, और बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा ही मज़ा यहाँ पे हमें आने वाला है गेम प्ले देखने के लिए। तो जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि एक नया कुछ हम लोग ट्राई करने की सोची है, और बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन यहाँ पे होने वाला है। तो पर्टिकुलर तो फटाफट से हम लोग देखेंगे। आई डी पास जो है वो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, ओके। तो उसको भी हम प्रॉपरली यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे कि जितना बेटर हो सके उतना बेटर हम लोग यहाँ पे कर सकें, ठीक है। और फटाफट देखेंगे कि यहाँ पे आईडी पास में कौन कौन सी टीमें जो हैं वो हमारे साथ जुड़ने में यहाँ पे कामयाब हो चुकी हैं। तो उसके लिए बस मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, और हम लोगों का यहाँ पर प्रोत्साहन कीजिए, हम लोगों का यहाँ पर देख के और बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन और एक्टिव गेम प्ले हम लोगों को देखने को इस टीम के द्वारा अगर मिल, जितना ज़्यादा बेटर हमें लोगों को देखने को यहाँ पे मिलेगा उतना ही यहाँ पे बढ़िया और बेटर हम लोगों को चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो बाकी ब्लेंडिंग वगैरह का हम लोग एक बार देख लेते हैं ट्राई करने का कि कितना और ज़्यादा होगा, क्योंकि एक कुछ नए हमारे जो सुखापा भाई हैं वो कुछ नया हर बार लेके आते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग भी प्रॉपर देखने की पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे, और गेम को भी जितना अच्छा हो गया उतना समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग एक काम करते हैं, चलते हैं रूम के अंदर और आ जाइए मेरे साथ आप लोग भी, बाकी की सारी बातें हम लोग करेंगे रूम में, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा ही नई नई बातें हम लोग करने वाले हैं, और वहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी टीम यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो चलिए आ जाइए मेरे साथ और मैं लेके चलता हूँ आपको एरंगल के समर कप के रूम में। तो कमान तो लीजिएगा, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे रूम में, और यहाँ पे अभी तक हमारे साथ 7 प्लेयर्स ऑलरेडी जो है वो ज्वाइन हो चुके हैं यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा ही एक्सीलेंट मज़ा आने वाला है। तो स्माइली भाई कहें नेक्स्ट कौन सा टूर्नामेंट कास्ट करोगे, देखिए वो तो पता लगेगा ब्रदर, अगर कोई नया टूर्नामेंट आएगा तो ज़रूर करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन और बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट गेम प्ले हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, और देखते हैं जितना ज़्यादा बढ़िया हो सकेगा उतना बेटर हम लोग करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, और कितना अच्छा गेम प्ले हम लोगों को देखने को मिलता है बाकी इन टीम्स के द्वारा। तो और कौन कौन सी टीमें जो हैं वो बहुत 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 अच्छा गेम प्ले हम लोगों को यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाती हैं, ये तो देखने के बाद ही पता लगेगा, और कौन सी टीमें जो हैं वो बेटर गेम प्ले हम लोगों को देखने को मिलेंगी, और वो उनका जो है गेम प्लान किस तरीके का होगा ये हम लोग प्रॉपर जो है वो देखने की कोशिश हम लोग ज़रूर यहाँ पर करेंगे। तो बाकी तो अभी देखते हैं टीम्स यहाँ पे कितना अच्छा अग्रेसिव गेम प्ले हम लोगों को खेल के दिखा पाती हैं, और कौन सी टीम जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेटर साबित होती हुई हमें नज़र आएगी, ओके। तो ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस हम लोगों को इस टीम के द्वारा यहाँ पे देखने को मिलता है। बस बाकी की टीमें जब तक आती हैं और 7:15 पे हमारी टीम्स गेम प्ले यहाँ पे शुरू होगा, तो तब तक आप लोग एक म्यूज़िक का मज़ा लीजिए, मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में।
Never really know when you're gonna go. Why you gotta put another foot in front of yours? Bury them toes, carry them close. I was never one to care about my mentos. I was like froze, now I'm on fire. Give me that smoke, but I can't get high. We're the most, here to inspire. Doing what I'm supposed, but I can't get tired. Run for your life, every night. See in the dark, blind by the light. I got the spark, I got the pipes. All of my arts coming to life. Had to face my fears while I chased my peers, and I found my spot. About time that I found myself. I've been out here walking that walk. Like, first off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is I was made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Dead on sight, like. First off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is I was made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Dead on sight, like. And I'ma get it right. Dead on sight, like. Been down and I'ma get it right. Dead on sight, like. Don't you dare say that I want it. Everything to fall apart when it's hard to me. Cause my only crime was hoping there is something more than this loneliness I feel. But no one makes me feel less alive. We're fighting fire. The way you push my buttons just right. We're fighting fire.
तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ वापस, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका कास्टर, और हमारे साथ आप देख सकते हैं 79 प्लेयर्स यहाँ पे जुड़ने में पूरे पूरे कामयाब हो चुके हैं और 7:16 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देर कराने की तो कोई नौबत ही नहीं थी, जिसकी वजह से गेम अब यहाँ पे हो चुका है शुरू और बहुत ही ज्यादा मजा यहाँ पे हम लोगों को आने वाला है गेम के साथ साथ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सलेंट गेम प्ले हम लोगों को देखने में मिल रहा है बाकी टीमों के द्वारा और पूरी पूरी 79 प्लेयर्स हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं और बस देखना यह बाकी है कि कौन सी वो टीम होगी जो हम लोगों के साथ यहाँ पे बेटर गेम प्ले परफॉर्म करके दिखा पाएगी, तो उसका इंतजार तो हम लोगों को सबको यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काउंटडाउन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे शुरू हो चुका है और यहाँ पे फ्रीड भी हमारे साथ, कैप्टन फ्रीड भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं जो हैं हमारे विंटॉक्स एलाइट्स के, तो माइट भी यही आज के हमारे पायलट भी होने वाले हैं जो हमें उड़ान भरा के दे जाएंगे बहुत ही खूबसूरत एरेंग के बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट्स को हम लोग देखते हुए ऊपर से जाएंगे और बहुत ही बढ़िया एक व्यू अपर एंगल व्यू यहाँ पे मिलता हुआ हमें नज़र आएगा। तो यही आप लोग देख सकते हैं कि एरेंगल का बहुत ही ब्यूटीफुल प्ले ये जो हमारा स्पॉन आइलैंड हम लोगों को देखने को मिलता है, इसकी तो खूबसूरती ही बहुत अलग होती है और ये गेम तो मतलब एग्जैक्टली कोई भूल ही नहीं सकता, ये मोमेंट गाइस ऐसा होता है ठीक है। तो उसके लिए आप देखते हैं फटाफट से ऑफलाइट पास यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनता हुआ हमारा दिखाता हुआ वेस्टर्न की तरफ से होता हुआ यहाँ पे ईस्टर्न सदर्न की तरफ हमें जोड़ता हुआ प्रॉपर जो जो है जॉर्जो के पास से जोड़ता हुआ हमें जोड़ता है यहाँ पर नोवो रिपनॉय में। तो मतलब एग्जैक्टली अगर हम एक नॉर्मली बात करें तो यहाँ से ये पूरा का पूरा हमारा वेस्टर्न सदर्न को जोड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। अरे आ गए हमारे भाई आ गया फिनिशर ओपी, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर, वेलकम टू द स्ट्रीम। तो आप लोग इस समय यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि पूरा एरिया यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देख के और बहुत ही यूज़फुल हो, आप लोग बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे और मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आप बहुत ही इजीली जोजो पोल को एक्सेस किया कर सकते हैं, स्कूल एक्सेस कर सकते हैं, साथ के रिजॉर्ट एक्सेस कर सकते हैं और मतलब जितना भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा जो ऊपर का एरिया हमारा मिलता है वो आप लोग ईजिली एक्सेस कर सकते हैं जोजो पोल से लेके, और ये जो मिड हमारी जो एक मिड लाइन बनती हुई हमें दिखाई देती है, जो मिड लाइन हमें बनती हुई दिखाई देती है तो आप ये हमें देता पूरा का पूरा मतलब यहाँ से मिल्टा पावर शेल्टर हम लोग यहाँ पे इजीली यहाँ पे आप ग्लाइड करके जा सकते हैं, लेकिन मेंशन जाना है, लिपोपका जाना है, यसनाया पोलियाना का जाना है तो थोड़ा सा आपको ग्लाइड करके जाना ही जाना पड़ेगा ओके। और परफेक्टली यही देखेंगे कि जो जो टीमें परफेक्टली जो क्लस्टर बनती हुई आएंगी तो वही हमें दिखाना पूरी पूरी हम लोग कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे द नॉकआउट्स की टीम हमारी ऑलरेडी हॉस्पिटल के एरिया के पास उतर चुकी है, प्रॉपर नॉकआउट करते हुए हमें चेरिश हमें दिखाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे मैककूल भी हमें देखते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं के पास ही के साइड पे थोड़ा सा नीचे डाउनहिल की तरफ हमें देखते हुए बाकी टीम एक्स गॉड हम लोगों को देखते हुए मिलते पाएंगे और उन्हीं के साथ ही खेलते हुए यहाँ पे G69 गोस्ट भी हम लोग देखते आएंगे जो डाउनहिल का एरिया हमें थोड़ा सा मिलता है। तो लेवी ने यहाँ पे शेल्बी को यहाँ पे एक नॉकआउट यहाँ पे करके डाल दिया है, जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं बहुत ज्यादा शानदार एक वेटरन गेम प्ले हम लोगों को बनता हुआ इस टीम के द्वारा यहां पे देखने को मिलता हुआ बहुत ज्यादा सडन गेम प्ले बनता हुआ दिखाई देने वाला है। और इसमें जो है 13 की टीम को जो देख सकते हैं सैमी को यहां पे नॉकआउट किया जा चुका है, ये पहला नॉकआउट और पहला फिनिश निकला कॉम्बैट ऑफिशियल्स का जो हमारी यहाँ पे टीम खेलती हुई नजर आ रही है, थंडर वोल्फ्स ने यहाँ पे निकाला वो निकाला हमारा लेवी ने और बहुत ज्यादा ही शानदार गेम प्ले। हेलो प्रो एंड गेमर, हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। तो ये भी अभी पूरा पूरा मौका नहीं छोड़ने वाला है, शॉट जहाँ पे क्रिएट करनी शुरू हो चुकी है, शॉट जहाँ पे कनेक्ट भी करते हुए जिंक और कॉम्बैट हमें देखते हुए यहाँ पे नजर आने वाला है, बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इन्होंने भी यहाँ पे क्या करा है अपनी ही टीम की तरीके से जो हमें दिक्कत होती हुई दिखाई दी थी उसी के साथ ही उन्होंने भी यहाँ पे एक जो है थंडर वुल्फ्स का पूरा एक प्लेयर को और नॉकआउट करते हुए हमें यहाँ पे दिखाया है। भाई SOA फोर मैंस है क्या? SOA फोर मैंस नहीं है शायद यहाँ पे ब्रदर, SOA नहीं है। तो यहाँ पे शॉट आने खबर आते हुए दिखाई दिए, अंदर से यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत का सामना करता हुआ दिखाई दिया, जरूर था नॉकआउट करने में कामयाब रहते हुए दिखाई दिए और यहाँ पे दूसरी बार थंडर वुल्व्स का भी गेम प्ले बनता हुआ और दो फिनिशेस अपने खाते में जोड़ने में पूरे पूरे कामयाब होते हुए दिखाई दिए। और कॉम्बैट ऑफिशियल्स की टीम जो हमें देखती हुई यहाँ पे मिलने वाली है तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ गया है क्योंकि दो प्लेयर की कैजुअलिटी स्टार्टिंग में ही लेके चले जाना
इट इज वेरी वेरी क्रूशियल मोमेंट फॉर यू, क्योंकि पूरा गेम इस समय बचा हुआ है और आपको इस समय दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो ये चीज बहुत ज्यादा ही क्रूशियल मोमेंट के लिए बन जाती है। और बाकी की टीमें भी धीरे 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 मॉडिफाई करने की कोशिश यहाँ पे करेंगी। तो मिड ऑफ द जोन के बाद रिजॉर्व के एरिया के पास वाटर सिटी के अंदर बाकी की टीम हमें खेलती हुई दिखाई दे रही है। जो एक टीम हमें दिखाई दे रही है गॉड स्टडी स्पोर्ट्स के साथ, और उन्हीं के साथ थीव्स की टीम भी हमें देखने को मिलेगी, उमा स्पाइक स्टार्क, और हमें देखने को मिलते मिलने वाले हैं यहाँ पे प्रियम। तो ये बहुत 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 बढ़िया एक गेम प्ले यहाँ पे मिलता हुआ। स्टार्क हमारी इस टीम के साथ साथ यहाँ पे जुड़ने को तैयार, और देखेंगे गॉड स्पाइडर की टीम भी हमें देखने को यहाँ पे मिलती हुई, और बहुत ही एक अच्छा हायर ग्राउंड का एडवांटेज लेते हुए हमारे यहाँ पे गॉड की टीम के गॉड के स्पाइडर हमें देखते हुए मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऊपर से अगर थोड़ा सा देखा तो क्योंकि स्टार्क और प्रियम जहाँ पे जिस एरिया में बैठे हैं तो उसको अगर ये प्रॉपरली अगर वॉच आउट करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे तो शायद उन्हें पनिश भी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि स्पाइकी को देख लीजिए, स्पाइकी अभी ऊपर की साइड पे जाते हुए हमें दिखाई देना, क्योंकि जो थीव्स की टीम के जो एक प्लेयर और हैं वो ऊपर की साइड पे जा चुके हैं और उन्होंने भी अपना मोर्चा एक हायर ग्राउंड से कर लिया है, क्योंकि सामने जो गॉड स्टेट की टीम को उसको भी बिल्कुल रोकने में सक्षम शायद यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि एक हायर ग्राउंड एडवांटेज जो सबसे ज्यादा बेटर होता है, लेकिन अपने आप को बचाना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पार्ट इस प्लेयर के लिए बनना तो चाहेगा ही, क्योंकि मेनली बात यही हो सकती है कि अगर यहाँ पे उनको देखा गया तो देखने के बाद अगर यहाँ पे शॉट यहाँ पे लेने की कोशिश यहाँ पे की गई गॉड्स की टीम के द्वारा तो उनको तो एक बहुत एडवांटेज यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि अगर ऊपर से नीचे गिरे नॉक हो गए स्पाइक तो शायद पूरा का पूरा फिनिशर बनी कगार पे आ जाएंगे। और जहाँ तक आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो इसमें लैडर्स या जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तो इसमें बीच में बहुत अच्छी खासी जगह होती है, जिससे आप ईजिली अपने कोई भी प्लेयर को जो है वो टेक डाउन कर सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा। तो यही दो चीज़ दोनों प्लेयरों की टीमों के बीच में यहाँ पे होता हुआ हमें इस समय दिखाई देता हुआ नजर आ सकता है। तो स्टार्क हमें देखने को यहाँ पे मिलते हुए और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले बनता हुआ और रोटेशन लेने की पूरी पूरी कोशिश करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और स्टार्क ने यहाँ पे शॉट्स लेने की कोशिश यहाँ पे की, एक बहुत ही ज्यादा रैंडम शॉट देने की कोशिश, और उन्होंने प्रॉपरली यहाँ पे वॉच आउट भी किया गया। स्पाइडर भी यहाँ पे M16A4 का यहाँ पे एक बार दिखा दो ब्रो, SOA किडू आप मुझे, हो सकता है यहाँ पे देखिए मुझे SOA तो यहाँ पे देख नहीं रहा, मैं आपको सच बात बताऊँ SOA किडू अगर आपको प्रॉपर पता है, क्योंकि ग्रुप ए में ही है आपकी टीम या ग्रुप बी में, या आप एक बार डिसाइड करके देख लो। SOA मतलब सीज ऑफ एजेस की बात तो नहीं कर रहे हो आप? ओके तो सीज ऑफ एजेस हमारे साथ यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलते हैं। उमा का बहुत ही अच्छा एक स्प्रे आता हुआ और यहाँ पे गॉड्स प्रो को यहाँ पे नॉकआउट करता हुआ दिखाई दिया, और उमा ने बहुत ही अच्छा बेहतरीन गेम प्ले परफॉर्म करने के बाद बहुत ही शानदार गेम प्ले, क्योंकि थीव्स की टीम इस समय बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले बनती हुई दिखाई देगी, और यहाँ पे स्प्रे गॉड को जो है नॉकआउट करने में पूरा पूरा कामयाब रहते हुए नजर आ चुके हैं, और ऑलमोस्ट अपने प्लेयर को यहाँ पे रिवाइव करने की कोई भी मौका यहाँ पे छोड़ने नहीं वाले हैं। तो फटाफट से हम एक काम करते हैं, सीज ऑफ एजेस के पास फटाफट से यहाँ पे चलने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, और प्लेयर को भी यहाँ पे दिखाया, तीन प्लेयर हमारे साथ यहाँ पे SOA सीज ऑफ एजेस की टीम, सॉरी मैं आप पूरा नाम बताएंगे तो हो सकता था, SOA जी हाँ बिल्कुल SOA यहाँ पे हमारे साथ है, 22 नंबर की टीम हमें देखने को मिली सीज ऑफ एजेस। और अभी रोटेशन करती हुई जो सीज ऑफ एजेस की टीम है ये ऑलरेडी लिपोफका से होती हुई जोन के अंदर बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करती हुई शायद हमें जाने वाली है यहाँ पे यसनाया पोलियाना, तो वहाँ पे ऑलरेडी गेट कीप करती हुई हमें टीम यहाँ पे देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तो फटाफट से हम एक काम करते हैं, चलते हैं यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे वाटर सिटी। तो वाटर सिटी में आप लोग ये देख सकते हैं कि एक प्लेयर की ऑलरेडी कैजुअलिटी स्प्रे गॉड की मिल चुकी है, और यहाँ पे गॉड ए भी ऑलरेडी नॉकआउट हो चुके, तो उमा ने जो है एक नॉकआउट यहाँ पे निकाला था, दूसरा भी यहाँ पे फिनिश ऑफ करने की कगार पे, दूसरा प्लेयर को भी यहाँ पे नॉकआउट करने में रहे तैयार। तो मुझे लग रहा है पीछे यहाँ पे स्पाइडर को आ जाना चाहिए और अपने प्लेयर को यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रिवाइव कर लेना चाहिए। उमा को नॉकआउट करा, बहुत ही शानदार तरीके से गेम प्ले बनता हुआ स्पाइडर की तरफ से, और उमा को भी यहाँ पे पूरा पूरा फिश आउट करने में कामयाब रहेगी, लेकिन स्पाइकी जो ऊपर की साइड से बैठे हुए हैं तो वो थोड़ा सा दिक्कत देने की कोशिश, लेकिन उमा की यहाँ पे कैजुअलिटी होती हुई दिखाई दी। स्पाइडर का बहुत ही अच्छा है एक उजी का स्प्रे यहाँ पे देते हुए, और उन्होंने प्रॉपरली यहाँ पे प्रोग्रेस को यहाँ पे देख लिया, और शॉट यहाँ पे आते हुए बहुत ज्यादा शानदार एक गेम प्ले बनता हुआ है यहाँ पे स्पाइकी के द्वारा, और स्पाइकी का M4 का शॉट यहाँ पे देखो, कॉल्स यहाँ पे क्रिएट होनी शुरू हो चुकी है, और प्रियम भी यहाँ से राइट साइड से बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आने वाले हैं, साथ के साथ यहाँ पे स्टार्क भी बढ़ते हुए हमें नजर आएंगे, पूरा पूरा रोटेशन करने की यहाँ पे कर रहे हैं पूरी पूरी कोशिश, और अब देखने वाली बात है। और ब्याज बहुत ही अच्छा बेहतरीन गेम प्ले बनता हुआ, और मुझे लग रहा है स्पाइडर गॉड को तो यहाँ पे ऑलरेडी फिनिश ऑफ किया जा चुके हैं, तो आगे के लिए जो यहाँ पे टाइगर बचे हुए दिखाई दे रहे हैं तो स्पोक के सालों बजाय कुछ और डिटेलिएशन शॉट यहाँ पे आता, बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले प्रियम का होता हुआ पूरा का पूरा। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि प्रियम धीरे 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 लेफ्ट हैंड साइड से जो पढ़ते हुए नजर आ रहे थे, और उसी के साथ
हमें मिला यहाँ पे पहली टीम का एलिमिनेशन, और वो हमारी जो टीम थी वो है हमारी गॉड ऑफ स्टेट 60 नंबर की टीम, और इनका एलिमिनेशन हो चुका है यहाँ पे थीव्स की टीम के द्वारा, और हंटेड हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा ये माहौल इस टीम के द्वारा बनता हुआ, और पहला एलिमिनेशन ऑलरेडी आप लोग देखने में कामयाब होते हुए दिखाई दिए। विडो तो उनका सर्कल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे चुका है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सीधो वेजिस की टीम का भी तो ऑलरेडी यहाँ पे साइलेंट वे में अटैकिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते सीज गॉड का एक जहाँ पे आप देखते हुए हमें दिखाई देने वाले हैं, तो जेड गॉड हमें देखते हुए नजर आने वालेंगे, और उन्हीं के साथ ही एक फिनिशेस निकाल के पूरे पूरे रहे कामयाब। तो यहाँ पे आप लोग इस समय देखते हैं नील ब्रिजिस को, यहाँ पे आप जो हमारी टीम ऑलरेडी खेलती हुई दिखाई देगी डील डील्स की टीम को, उनकी एक प्लेयर को यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नॉकआउट करने में कामयाब रहते हुए दिखाई दी सीज ओवेजेस। तो बिल्ड ऑफ द जोन के अंदर हमारा प्रिय ड्रॉप भी आता हुआ दिखाई दिया, और देखेंगे ड्रॉप के अंदर ओ माय गॉड हियर इज द स्पीडी, और स्पीडी आप देख सकते हैं इस समय हियर इज द स्पीडी, बहुत ही बेहतरीन गन MG3 द 2 RPM गन मॉड हैज बीन इज हियर, क्योंकि इसके अंदर 660 RPM यहाँ पे मॉड और साथ के साथ 990 RPM बुलेट स्पीड हमको देखने में। अनुवार हेलो अनुवार वेलकम टू द स्ट्रीम आप इस समय देख सकते हैं MG3। अब देखिए जो MG3 अगर यहाँ पे उठा लेगा तो उसे एक बहुत ज़्यादा एक हैवी और एक आर्मरी और एक बहुत ज़्यादा स्पीड गन का एडवांटेज यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही स्पीड के अंदर इनका गन का जो है बहुत ही अच्छा फायर रेट इसका बहुत ज़्यादा शानदार और 75 बुलेट्स का 1 MAC के अंदर आपका यहाँ पे मिलता है, इसके अंदर कोई आपका अटैचमेंट नहीं है, साथ के साथ बहुत ही ज़्यादा स्पीडी के साथ और बहुत ही ज़्यादा एक जिसे हम कह सकते हैं सोबर गनों के अंदर इसका नाम गिना जाता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा गेम प्ले बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो माइट भी मुझे लगता है NNE की टीम जो हमारी खेलती हुई नज़र आ रही है वो शायद यहाँ पे इसका फ़ायदा यहाँ पे उठा सके, और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि जोन इस जब ये शिफ्टेड होता हुआ नजर आएगा तो यहाँ से मुझे लगता है कि सेवर्नी को अपनी तरफ ले सकता है, और यहाँ पे पोचंकी बाहर कर देगा, और ये एक हार्ड शिफ्ट लेता हुआ दिखाई देगा मुझे ऊपर की साइड पे एक नदन की तरफ लेता हुआ जाएगा ये हार्ड शिफ्ट, तो ये हमें एक बहुत ही अच्छा एक्सलेंट गेम प्ले बनता हुआ दिखाई दे सकता है। सारी टीमें धीरे 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 ऑन द जोन बढ़ने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बाहर से हम देख सकते हैं स्टॉर्म की टीम हमें जो देखते हुए जो नजर आ रही है स्टॉर्म ऑफिशियस की, उसी के पास ही बैक टू वर्क पे हमारी एक टीम जो दूसरी भी नजर आ रही है यहाँ पे डील डील की, जिसके एक प्लेयर को ऑलरेडी फिनिश ऑफ किया जा चुका है हमारी टीम के द्वारा। तो अब देखते हैं एक हार्ड शिफ्ट यहाँ पे कौन सा बनता हुआ दिखाई देता है इस टीम्स के द्वारा। तो मोस्टली हार्डशिप मुझे लगता है आप एक नॉर्दर्न की तरफ जाता हुआ, दैट्स लाइक दैट हार्ड ले जैसा मैंने बोला था कि सेवन्नी को लेता हुआ जाएगा, और हार्डली शिफ्टेड होता हुआ दिखाया पोचंगी को, और मैंने कहा जैसे बोला था वही होता हुआ नजर आया नॉर्दर्न की तरफ, एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन हार्डशिप हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला, और जस्ट लाइक दैट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे खेलती हुई बैक टू बैक यहाँ पे RP ऑफिशियल RIP की टीम बहुत रिप ऑफिशियल की टीम यहाँ पे शॉट लेती हुई दिखाई दे चुकी है, चीज हमें जिसके ऊपर दिक्कत का सामना करते हुए हमें आगे की साइड पे निकलने में कामयाब होते हुए प्लेयर हमें दिखाई देने वाले हैं यहाँ पे जेड गॉड की यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, गाड़ी हेल्प स्पोर्ट और इस समय यहाँ पे बचने की कोशिश यहाँ पे करते हुए, लेकिन ही विल रीच इस डेस्टिनेशन क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छे एरिया को यहाँ पे कवर करके डाल जाए, और ये एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म यहाँ पे करके इस प्लेयर ने हमें दिखाया, और बहुत ही अच्छा शानदार इनका एक बहुत ही अच्छा लक यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बैक टू वर्क यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे डेजिनैक्स यहाँ पे ई स्पोर्ट्स हमें देखने मिल रहा है डेजिनैक्स हमें देखने को मिलते हुए नजर आने वाले हैं, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा गेम प्लान भी बनता हुआ नजर आएगा, और उसी के साथ साथ देख सकते हैं NNE की टीम इस समय बहुत ही बेहतरीन टीम यहाँ पे रोटेशन करती हुई भी हमारे साथ सेवर्नी के अंदर घुस चुकी है, और ऑलरेडी और मुझे लगता है शॉट यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एक टीम की और यहाँ पे खासियत बनती हुई दिखाई देने वाली है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सडन बैट बनता हुआ दिखाई देगा, लॉस्ट लेगन की टीम ने यहाँ पे शॉट लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दोनों टीमों का यहाँ पे ऑलमोस्ट एक बहुत ही अच्छा क्लैश देखने को मिलता हुआ अपनी टीम को एक अच्छी एरिया के अंदर कवर अप करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए NNE की टीम हमें नजर जो आ रही है उनका बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव वे में यहाँ पे गेम प्लान बनता हुआ दिखाई दे सकता है, वर्ल्ड को यहाँ पे नॉकआउट करते हुए आजाद हमें दिखाई दिए बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले परफॉर्म करके एक फिनिश अपने खाते में जोड़ने में रहे कामयाब, और इस समय जो दिक्कत का माहौल बनता हुआ हमें दिखाई दे चुका है यहाँ पे ज़ेनब ई स्पोर्ट्स का
उनको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत का यहाँ साथ ना यहाँ पे करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे सोल वेव्स को ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो है फिनिश अप किया जा चुका है। और यहाँ पे लिच की टीम के पास ऑलरेडी यहाँ पे चलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि थीव की टीम ऑलरेडी हमें जो खेलती हुई नजर आ रही है तो उसके साथ भी यहाँ पे दिक्कत का माहौल बनता हुआ दिखाई दे चुका है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे बैक टू है उनकी थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत होती है। लॉस लेगस ने यहाँ पे शॉट लेने की कोशिश यहाँ पे की थी, गॉड भी ने जो ऑलरेडी एक नॉकआउट यहाँ पे निकाल के फिनिश किया था उमा को, जो स्पाइकी को जो नॉकआउट किया गया था उसका भी रॉयल एडवांटेज यहाँ पे बनता हुआ इस टीम को थोड़ा सा बनता हुआ दिखाई दे चुका है। और शॉट लेने की कोशिश करते हुए पूरा हमें दिखाई दे रहे न्यूट्रियस हमें देखने को मिलते हुए, बहुत ज्यादा न्यूट्रियस गेमिंग हमें मिलती हुई दिखाई देगी इस प्लेयर के द्वारा। और लिंच हमें देखते हुए दिखाई देंगे, गॉड भी को यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ब्लीड आउट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता और यहाँ पे फिनिश ऑफ होने की कगार पे और हो गए फिनिश ऑफ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक और खाते में देख सकते हैं पूरे एक फिनिश और खाते में यहाँ पे जुड़ता हुआ थीम की टीम की तरफ हमें बनता हुआ दिखाई देने वाला है। और ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं स्पाई की टीम में हमें देखने को यहाँ पे मिलती भी बहुत ही ज्यादा शानदार गेम प्ले बनता हुआ। और यहाँ पे मुझे लगता है जो स्टाफ को नॉकआउट किया था प्रियम, उनको रिवाइव करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए और आगे की साइड पे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हुए लॉस लेगर्स की टीम पूरा रोटेशन करते हुए मुझे लग रहा है ऊपर की साइड पे जाके ही प्लेयर को यहाँ पे रोकने की कोशिश यहाँ पे करते हुए मुझे इस समय दिखाई देने वाले हैं। और स्पाइक की भी यहाँ पे धीरे धीरे ब्लीड होते हुए नजर आएंगे। और नीचे की साइड से आती हुई जो दूसरी टीम भी हमें एक नजर आने वाली है जो है स्टॉर्म ऑफिशियस की, वो यहाँ पे मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी एग्जीक्यूट करने की कोशिश यहाँ पे करती हुई। और एक फिनिश जो यहाँ पे दिक्कत का सामना अब जो है थीव की टीम को करना पड़ेगा। लिच ने यहाँ पे स्पाइकी को बहुत ही अच्छा बैटिंग करा, स्टॉक को दोबारा रीन ऑफ करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई दी स्पाइक, और पूरा फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएंगे। स्टॉर्म की टीम इस समय बहुत ही अच्छी रोटेशन यहाँ पे डालती हुई, दो साइड से घेरा जा चुका है, बीच में फटती हुई यहाँ पे थीव की टीम के अकेले बचे हैं प्रियम। और देखेंगे कहाँ पे सर्वाइव करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अपने आप को एक बहुत ही अच्छी स्मोक वॉल के अंदर बहुत ही अच्छा एक सामने वाली टीम का विजन ब्लॉक करते हुए धीरे धीरे निकलने की कगार पे आ सकते हैं। लेकिन स्टॉर्म यहाँ पे धीरे धीरे लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे रोटेशन करते हुए, और रोटेशन की कोई कमी नहीं थी, बहुत ही अच्छा बेहतरीन एक रैंडम शॉट यहाँ पे देखने को मिला स्पिरिट्स की टीम के द्वारा। और यहाँ पे स्टॉर्म के स्पिरिट ने पूरी टीम और इस समय 19th पोजिशन पे जो सेकेंड एलिमिनेशन टीम हमें देखने को यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है वो थी हमारी थीव की, जिनकी स्टार्टिंग तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी देखने को हमें मिलती हुई दिखाई दी। और ब्लू बर्ड एक्सएम ई स्पोर्ट्स के पास चलते हुए नजर आते हैं, तो इनके पास ही खेलते हुए ज़ेनब ई स्पोर्ट्स और साथ के साथ 69 एक्सएम की टीम हमें बनती हुई दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे रोटेशन करने की जो कोशिश होती हुई सेवर्नी के एरिया को पूरा का पूरा यहाँ पे घेरने की जो कोशिश यहाँ पे की जा रही है, तो वो इनके द्वारा बहुत ज़्यादा शानदार एक बन सकता है। लेकिन पीछे से इन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे ज़ेनब ई स्पोर्ट्स भी ऑलरेडी इनके पास है, क्योंकि शॉट जब आने शुरू होंगे तो ज़ेनब ने बहुत ही अच्छे एरिया को यहाँ पे एक्वायर करके बैठे हुए हैं। और इनके साथ ही यहाँ पे इस प्ले इस टीम के लिए जो एक एडवांटेज है वो थोड़ा सा ये है कि काफ़ी अच्छे घर हैं, तो ओपनली इनको बहुत ही अच्छा एक कवर लेवल यहाँ पे मिल सकता है। और सामने ही यानी कि टीम भी है जो इन्होंने एक झटका ज़ेनब की टीम को ऑलरेडी यहाँ पे दिया था, और एक प्लेयर को ऑलरेडी यहाँ पे फिनिश ऑफ करके और एक फिनिश पॉइंट अपने खाते में जोड़ने में रहे कामयाब। और 18 टीमें ऑलमोस्ट अभी भी हमें ऑलरेडी यहाँ पे खाते में अभी जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। और ऑलमोस्ट इस समय आप लोग अभी भी देख सकते हैं तो जोन जो है ऑलरेडी शिफ्टेड होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो मुझे लगता है कि इस बार जो है थोड़ा सा आगे की साइड पे बनता हुआ और यहाँ पे सेवर्निक ऑलरेडी बीच ऑफ द मिड ऑफ द जोन के अंदर लेता हुआ दिखाई दिया। और बहुत ज्यादा शानदार तरीका दोनों हिल की साइड पे हमें गिरता हुआ, एक से एक कॉर्नर पे हमारा गिरता हुआ प्रिय ड्रॉप, और इसमें आ चुकी है द अनटेम्ड बीस्ट दैट्स कॉल्ड द ग्रोजा। तो बहुत ज्यादा शानदार वेपन है, बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव और बहुत ज्यादा डेंजरस है इस गन का यहाँ पे फायर रेट के साथ साथ डैमेज तो बहुत ज्यादा अनटेम्ड बीस्ट लेवल है इसका। और आप देख सकते हैं ऑलरेडी बहुत ही अच्छी रोटेशन के साथ साथ हमारी डील की टीम भी पूरी और कपकी का यहाँ पे बैक टू बैक बस्ट होता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे दिक्कत का माहौल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देने वाला था, अब बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले यहाँ पे बनता हुआ है डेजन एक्स स्पोर्ट्स के द्वारा, और उन्होंने जो है बगी को यहाँ पे तोड़ सा डेट एंड करते हुए दिखाई दिया। और ज़ेनब की टीम ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी आती हुई दिखाई दे चुकी है, तो धीरे धीरे और ज्यादा शानदार गेम प्ले बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और वारेन हमें इस साइड पे दिखाई देने वाली थी, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत इस टीम के द्वारा यहाँ पे होती हुई दिखाई दी, लेकिन राइट साइड से रोटेशन करने की जो कोशिश हमें करती हुई नजर आ रही थी हमारी ब्लू बर्ड एक्सएम की टीम, उनको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करता हुआ दिखाई दे चुका था, क्योंकि ऊपर से बैठे हुए पैन की टीम ने यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत में देखे एक प्ले को यहाँ पे नॉकआउट करने में रहे कामयाब, और दूसरी टीम को ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत का माहौल जो बनता हुआ दिखाई दिया है। उसके लिए अब देखने वाली बात यह है कि ब्लू बर्ड एक्सएम किस तरीके से निकल पाएगी, क्योंकि छोटे से रिच के अलावा उनके पास कुछ नहीं है, गाड़ी ऑलरेडी यहाँ पे स्मोक गए, क्योंकि गाड़ी
को अगर अगर जाना भी चाहेंगे तो सिर्फ राइट हैंड साइड का एरिया है जो धीरे 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 बढ़ने की कोशिश यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे क्योंकि राइट हैंड साइड से अगर बढ़ने की कोशिश भी करेंगे तो सामने की साइड पर ब्लू बर्ड एक्शन की टीम बैठी हुई नजर आ सकती है। और गाड़ी है प्रॉपरली इनके पास, अपनी टीम के प्लेयर ऑलरेडी इनके पास पहुंच चुके हैं और बहुत ही अच्छे घर का एडवांटेज लेने की कोशिश इन्होंने करते हुए यहाँ पे तो दिखाई दी है। और हायर ग्राउंड पर बैठे हुए यहाँ पे हमें पैम देखने को यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे सीज ऑफ एज यहाँ पे डील की टीम के, तो उनको एक बहुत ही अच्छा गेम प्लान भी बनता हुआ दिखाई देगा। सामने की टीम को परेशान बहुत ज्यादा किया जाता है। अंश जसवाल, हेलो ब्रो, हेलो ब्रदर, वेलकम टू द स्ट्रीम। और देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे एनएनई की टीम ऑलरेडी जो अभी जोन के बिल्कुल भी एच पे जहाँ पे सेवनी का एरिया पूरा का पूरा जोन के अंडर आता हुआ दिखाई दिया, तो ये बहुत ही अच्छा एरिया को एक्वायर करके बैठे हुए। एक साइड पे बैठी हुई हमारी टीम यहाँ पे जैबी स्पोर्ट्स और एक साइड पे बैठे हुए हमारे एनएनई की टीम और उसी के साथ ही थोड़ा सा यहाँ पे हिली एरिया के ओपन एरिया में बैठी हुई बाकी की टीम की हमें देखते हुए वेंटॉक्स अलाइक्स की टीम यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आ पहुंची है और उन्हीं के सामने ब्लू बर्ड एक्सएम की टीम भी हमारी धीरे 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 शॉट लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई दी। नोवा यहाँ पे धीरे धीरे पानी के सहारे बढ़ते हुए और एक बहुत ही अच्छा कवर ढूंढने की कोशिश, लेकिन ऊपर की साइड पे देख सकते हो जो कब से घुमाया थंडर वुल्व्स की टीम जो ऊपर की साइड पे बैठी है वो थोड़ा सा नीचे दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पे दिखा बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले बनता हुआ लूसिफर का बहुत ही बेहतरीन स्प्रे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया और आप देख सकते हैं फ्रीड को यहाँ पे या कैप्टन फ्रीड को यहाँ पे नॉकआउट करने में रहा है। नोवा यहाँ पे राइट साइड से आते हुए दिखाई देने वाले हैं, तो मुझे लगता है इस समय लूसिफर और क्लच फ्रीड उनको रोकने की पूरी कगार पे हमें यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। और अगर इनको जल्दी से जल्दी बचाया नहीं गया तो फ्रीड का भी यहाँ पे हो जाएगा गेम खत्म। ब्रो कैन यू शो अस द सेफर्स एसओएस स्टेटस स्टेटस माइट भी। और एक फिनिश यहाँ पे ऑलरेडी खाते में जुड़ते हुए फ्रीड को यहाँ पे नॉकआउट करने में रहे कामयाब और बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले बनता हुआ 11 क्योंकि दो फिनिशेस अपने खाते में खेलते हुए हमें इस समय नजर आते हुए टीम हमें दिखाई देने वाले हैं। और ऐसा इसकी जो हमें टीम यहाँ पे सीज और एजेस की टीम हमें देखने को जो मिलती हुई दिखाई दी है। एक फिनिश के साथ हमें सेवनी के एरिया का पूरा एरिया यहाँ पे एक्वायर करके बैठे हुए हमें नजर आ रहे हैं। तीन प्लेयर ऑलरेडी खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। शॉर्ट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट करने की कर रहे हैं इस समय कोशिश, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे जो बैक टू बैक जो जिस टीमों की हम थंडर वुल्व्स की बात कर रहे थे ऑलमोस्ट यहाँ पे तीन फिनिशेस यहाँ पे निकालने में कामयाब रह चुके हैं। और ऑलमोस्ट देखेंगे बैक टू बैक हमारे पास जो आती है यहाँ पे X29 ओपी की टीम की प्लेयर ऑलमोस्ट यहाँ पे देखेंगे कोशिश यहाँ पे करते हो X29 और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा नेड यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे की जरूर गई थी। 20% हेल्थ को यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर अप यहाँ पे किया गया बचने में, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे कामयाब होते हुए यहाँ पे लॉस्ट लेगर के प्लेयर और ऑलमोस्ट यहाँ पे शॉट टू शॉट आते हुए दिखाई देंगे। फ्रेकर्स के द्वारा एक बहुत ही अच्छा नॉक निकालने की जो कोशिश हमें की जा रही है उसी के साथ ही बैक में हमारे बैठे हुए यहाँ पे मार्डन हमें दिखाई देने वाले, तो न्यूटोरियस को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन न्यूटोरियस यहाँ पे धीरे 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 बैक साइड से पढ़ते हुए हमें नजर आ सकते थे, लेकिन सबसे पहले वो ये चाहते हैं कि एक नॉक निकाला जाए उसके बाद ही अपनी ये जो एरिया है उसको थोड़ा सा जो है हट के यहाँ से निकल के यहाँ पे थोड़ा सा बैक फॉल बैक यहाँ पे किया जा सकता है। और ऑलमोस्ट यहाँ पे जब शॉट्स आने शुरू होंगे तो एक हमारे यहाँ पे कॉम्बैट वाइट खेलते हुए नजर आ रहे हैं कॉम्बैट ऑफिसर के, तो बहुत ही अच्छे एक बहुत ही अच्छा शानदार गेम प्ले बनता हुआ दिखाई दिया था। तो ऑलमोस्ट एक बहुत ही अच्छा हार्डशिप हमारा होता हुआ और नॉर्दर्न वेस्ट की तरफ लेता हुआ हमें दिखाई देने वाला, तो बाकी की ऑलमोस्ट टीम सारी की सारी जो है ऑलमोस्ट बाहर आती हुई दिखाई दी थी, तो बहुत ही अच्छा एक फाइन गेम प्ले बनता है। शॉट यहाँ पे कवराने की कोई चीज यहाँ पे करते हुए दिखाई दिए, बहुत ज्यादा दिक्कत बड़ा एनी टीम का यहाँ पे एक बहुत ज्यादा दिक्कत का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया बाकी टीम्स के द्वारा। शॉट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कवर लेने की कोशिश यहाँ पे की जरूर जा रहे हैं बाकी टीम 69XM के द्वारा और तीन फिनिशेस के साथ खेलते हुए दिखाई देंगे। आजाद पूरा रोटेशन लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए इस टीम को दिक्कत देने की कोशिश, और मुझे लगता है अगर परफेक्ट नेड यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे तो शायद यहाँ पे हो सकता है, लेकिन पीछे हमारे ब्लस्टर भी बैठे हुए दिखाई दे रहे काफी दूर है। तो जलब की टीम का बहुत ज्यादा शानदार डेव है मैकूल के द्वारा और मैकूल का बहुत ही शानदार नेट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया और ऑलमोस्ट यहाँ पे दिक्कत देने को जाए। और इसी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं पूरी टीम यहाँ पे हो चुकी है सर आप और ड्राई एनएनएनई की टीम जो है पूरी की पूरी फिनिश ऑफ की गई और बहुत ज्यादा दिक्कत इस टीम के लिए बनता हुआ एक बहुत ही ज्यादा दुखद अंत होता हुआ इस टीम के द्वारा हमें बनता हुआ दिखाई दे चुका है। रोटेशन लेने की कोशिश यहाँ पे करती हुई दिखाई देने वाली यहाँ पे जाने भी स्पोर्ट्स अपने आगे की साइड पे बढ़ते हुए दिखाई देगी। शॉट यहाँ पे बैक टू बैक आने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई देगी कि सामने एक्सएम के बेगा में भी दिखाई दे रहे हैं वो भी बूढ़ी रोटेशन करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई दे बहुत अच्छी शानदार गेम प्ले बनाते हुए दिखाई दे। एक प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट करने की कोशिश यहाँ पे की गई थी बचने में कामयाब होते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन आप देख सकते हैं डेड आई का बहुत ज्यादा क्विक रिफ्लेक्स में बनता हुआ दिखाई दिया, साथ के साथ कॉम्बैट लेवल भी बहुत ज्यादा शानदार होता हुआ दिखाई दिया था और बहुत ज्यादा लॉन्ग स्प्रे देने की वजह से जाने भी स्पोर्ट्स ने गाड़ी को ब्लास्ट आउट करके अपने आप को बचाने की जो कोशिश यहाँ पे की गई थी। पीछे से एक घर को
अपना पूरा का पूरा एक होल्ड ऑन और पूरा पूरा रिजल्ट मीडिया बनाते हुए बाकी की टीम के द्वारा ब्लू बॉट एक्सएम की टीम का बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले। 15 टीमें भी अभी इस समय अलाइव है। 36 प्लेयर्स आर प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ हु विल टेक दिस कंटेनर। बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले। जोन टू जोन बढ़ते हुए बाकी की टीमें भी ऑलमोस्ट यहां पे जोन के अंदर, 69 एक्सएम की टीम भी पूरा का पूरा जोन के अंदर घेरने की कोशिश यहां पे करते हुए। ऐसो इसके टीम के यहाँ पे दो प्लेयर हमें खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेड गॉड के साथ ही आगे की साइड पे देखो माय गॉड प्लेयर को यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे ट्रैक करते हुए की कोच यहाँ पे करते हुए दिखाई देने वाले हैं। 69 एक्सएम की टीम के पास राइट साइड में बैठे हुए हमारे चुपचाप बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे फॉर्क एंड राइज स्पोर्ट्स के हमारे रॉकी और एक प्लेयर अकेले बचे हुए दिखाई दे। कोई जल्दबाजी का माहौल ये प्लेयर नहीं बनाना चाहते हैं और दो प्लेयर मिडल ऑफ द जोन के अंदर आने की कोशिश करेंगे। मैकूल भी हमें दिखाई देने वाले हैं क्योंकि मैकूल को शायद अभी पता नहीं। स्पोक का एक बहुत ही अच्छा एक हमें यहाँ पे दिखने को स्पोक की एक बॉल यहाँ पे दिखाई दे रही है। पूरा ब्लाइंड फेथ हमें देखने को यहाँ पे मिलता हुआ। सेम जस्ट लाइक अगर यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक रिफ्लेक्स के साथ साथ अगर एक स्प्लिट करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे और या फिर एक बहुत ही अच्छा स्प्रे डाउन करने की कोशिश करेंगे तो शायद बैट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कामयाब हुआ जा सकता है। लेकिन ऐसो इसके प्लेयर भी बहुत ज्यादा चालाक है, पूरा स्मोक डाल के बताना नहीं चाहते कि हम उसके अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर स्मोक की वॉल यहाँ से हटती है और क्योंकि पीछे की साइड पर हमें बैठे हुए थे प्लेयर को यहाँ पे दिखाई दिया मैकूल को यहाँ पे पैम यहाँ पे नॉकआउट करने में रहे बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से तैयार। और आगे की साइड पर डील के प्लेयर हमें बैठे हुए जो नजर आ रहे हैं वो क्रैक्स भी हमें राइट साइड से बैठे हुए नहीं कर रहे। ऊपर का एक हाइट ग्राउंड का एडवांटेज थोड़ा सा हमें बैटर होने की कोशिश यहाँ पे करते हुए मैकूल के प्लेयर को भी आगे साइड में बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई देंगे। रोटेशन लेने की कोशिश करते हुए स्टॉर्म ऑफिशियल्स की टीम जोन के अंदर बनना मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट बनता हुआ इस टीम के प्लेयर के लिए हमें बनता हुआ दिखाई देगा। और देखेंगे यहाँ पे एमलेस यहाँ पे सामने वाली टीम का जो प्लेयर अभी निकला हमारे बहुत ज्यादा दिक्कत में डालते हुए तो अल्ट्रा वॉलेट की टीम ने यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत देने की स्टॉर्म की टीम को दिया थोड़ा सा यहाँ पे एक स्प्रे डाउन। लेकिन देखने की कोशिश यहाँ पे स्प्रे देने की कोशिश यहाँ पे की गई डाउन देने की कोशिश यहाँ पे होती हुई ऊपर से यहाँ पे सडन एक एरिया के ऊपर फ्लैट बात जो बनता हुआ हमारा दिखाई दिया था और ओपन एरिया के अंदर जो टीम यहाँ पे स्प्लिट होती हुई दिखाई दे रही है तो बहुत ही अच्छी एक रणनीति के साथ साथ बनता हुआ दिखाई देगा। और देख सकते हैं ब्लस्टर इस समय बैठे हुए जोन के अंदर जो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले वेंटॉक्स एलेक्स के अकेले बचे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा एक प्लेयर की फ्लाइट पे होती हुई दिखाई देते हैं। स्टॉर्म की टीम बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले बनाती हुई और सामने की टीम को यहाँ पे नॉट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे साजिश को नॉकआउट कर देगी खुशी यहाँ पे की गई थी वो पूरी की पूरी सफल होती हुई दिखाई दी। और एक नेट यहाँ पे आता हुआ पूरा का पूरा गेम प्ले यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे सेलेवी स्पोर्ट के द्वारा यहाँ पे एक्सम की टीम बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले 5 फिनिशेस के साथ खेलता हुआ बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले दिखाई देने वाला है। ऑलमोस्ट यहाँ पे पैम को यहाँ पे जोन देख साइड पे बैठे हुए आते हुए और यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्लैम इन करते हुए दिखाई दिए। दूसरी टीम को भी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नॉकआउट करने में कामयाब रहते हुए दिखाई दिए थे और बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले में बनता हुआ दिखाई दिया और अपनी टीम के लिए बहुत ही एक अच्छे फिनिशेस यहाँ पे निकालने में कामयाब रहते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जेड गॉड बहुत ही बेहतरीन और परफॉर्म करते हुए द नॉकआउट की टीम का बहुत ज्यादा बेहतरीन एग्रेशन सामने वाली टीम जो हमें खेलते हुए यहाँ पे X29 की टीम दिखा रही है। एक प्लेयर ऑलरेडी यहाँ पे नॉकआउट पड़े हुए हैं बाकी की टीम को भी ऑलरेडी यहाँ पे नॉकआउट करते की कोई यहाँ पे करते हुए ब्लस्टर अकेले बचे हुए दिखाई देने वाले और पूरी की पूरी टीम यहाँ पे X29 की टीम भी हो चुकी है। मैकूल का इस समय बहुत ज्यादा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले बनता हुआ इस फिल्म के द्वारा और बहुत ज्यादा सेंट्राइज होती हुई टीम का और मिड ऑफ द जोन के अंदर खेलती हुई यहाँ पे हमारे कम बैक किसी जिसकी टीम के बहुत ही बेहतरीन जोन प्रेडिक्शन के साथ और बहुत ही बेहतरीन एक्सेसिव लेवल यहां पे बनता हुआ दिखाई दिया। बस्टर अभी भी चुपचाप बैठे हुए इधर आ रहे सामने वाली टीम को नॉकआउट करने की देखने की यहां पे कोशिश करते हुए आ रहे जी यहां पे देखते हुए टीम के यहां पे देखने के स्पोर्ट्स की टीम और धीरे धीरे अपने प्लेयर के पास आते हुए दिखाई देगा। ऑन द एज पे खेलती हुई है दोनों की टीम लेकिन जोन के बाहर थोड़ा सा माहौल बनता हुआ 14 सेकंड के बाद जब जोन बनना क्रिएट होगा तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव मोमेंट इस टीम के लिए बनता हुआ नजर आ सकता है। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस एवरीबडी इज प्लेइंग टू एंड नाउ एवरीबडी वांट्स टू किलिंग ईच अदर और राइट नाउ इस समय दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग एंड मोस्ट फेनोमिनल मोमेंट आई हैव एवर सीन देयर। और आप लोग इस समय यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले बनता हुआ दिखाई देने वाला है और एक टीम के प्लेयर यहाँ पे स्टॉर्म की टीम के एक प्लेयर ऑलरेडी यहाँ पे और फिनिशर होते हुए दिखाई देने वाला है। ऑलवेज फ्लिकर यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे वर्कआउट किया होते हैं क्रैक्स यहाँ पे देखते हुए बनते हुए दिखाई दे हुए ISG की टीम भी हमें देखते हुए इस टीम के द्वारा बनती हुई दिखाई देने वाली है और बहुत ज्यादा एक्शन पैक गेम प्ले इस टीम के द्वारा बनता हुआ और सारी की सारी टीमों का बनता हुआ अग्रेशन लेवल बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होता हुआ। अब आईसी नोवेजिस की टीम के बगैर वॉइड हमें दिखाई देने वाले ऊपर की साइड पर बैठे हुए जो अपने प्लेयर को यहाँ पर रिवाइव करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे लेकिन उनका भी धीरे धीरे साथ छूटता हुआ जोन का बहुत ज्यादा दिक्कत वाला माहौल बनता हुआ 5 टीम इस समय बैठी हुई हमें दिखाई देने वाली है। हमारे पास वेंटक्स एलेक्स के एक प्लेयर हमें दिखाई दे 69 एक्सएम हमें दिखाई देने वाले हैं साथ क्या दिखाते हैं कॉम्बैट एलेक्स की टीम यहाँ पे एक्सप्लोर को यहाँ पे नॉकआउट करने में यहाँ पे किक्स रहे बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले
और यहाँ पे निको यहाँ पे नॉकआउट करते हुए बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले परफॉर्म करती हुई हमें टीम दिखा रहा है ब्लू ब्लू गॉड एक्शन की और व्हाइट साइड रोटेशन लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दूसरी टीम है यहाँ पे स्टॉर्म ऑफिशियल्स की टीम भी यहाँ पे हम आगे साइड पे दिखाई देने वाली है और वो यहाँ पे एक प्लेयर को जो नॉकआउट अभी किया गया था उसको थोड़ा सा बचाने की कोशिश अभी की जाएगी लेकिन आप इस समय देख सकते हैं ट्रैक्स को इस समय बचाने का जो मौका था वो इस समय गवा चुके हैं। स्टार आइज भी चुपचाप यहाँ पे बैठे हुए गाड़ी का कवर लेके और साथ के साथ पूरा का पूरा स्मोक वॉल के अंदर बैठे हुए बहुत ज्यादा बैटिंग गेम प्ले बनता हुआ पांच टीम अभी भी ऑलमोस्ट यहाँ पे दिखाई देने वाली है और एक प्लेयर को नॉकआउट करते हुए सभी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले बनता हुआ और अकेले प्लेयर बचे हुए दो प्लेयर हमें दिखाई दे रहे हैं 69 XM के धीरे 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 जोन के अंदर बढ़ते हुए बिल्कुल ऑल ओवर सर्टन एज पे खेलती हुई टीम और इस समय फोर फिनिश के साथ खेलता हुआ बहुत ज्यादा ब्लू बर्ड XM की टीम बहुत ज्यादा एग्रेसिव लेवल यहाँ पे दिखा चुकी है और यहाँ पे सीज ऑफ एज की हमें टीम जो नजर है यहाँ पे जो दिखाई दे रही है कॉम्बैट ऑफिशियल्स का उनका यहाँ पे बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले बनता हुआ स्ट्रॉन्ग को यहाँ पे नॉकआउट करने की कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाले हैं लेकिन आप देख सकते हैं स्टॉर्म भी अभी अभी धीरे 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 जोन के अंदर बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। अगर सामने की साइड पे कॉम्बैट सेगा को यहाँ से को यहाँ पे देखने को अगर इन्होंने देखा तो शायद उनको बिल्कुल भी यहाँ पे नॉकआउट करने से नहीं चुकेंगे और ऑलमोस्ट धीरे धीरे देख सकते हैं एक साइड पे यहाँ पे विंड बस्टर हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं आगे की साइड पे हमें बैक टू बैक ब्लू बर्ड की XM की टीम के प्लेयर भी आते हुए दिखाई देंगे। धीरे 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 जोन के अंदर बढ़ना वो इंपॉर्टेंट पास हो सकता है जोन के अंदर बढ़ते हुए उतरते हुए दिखाई देंगे आपकी गाड़ी को धीरे 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 एक बहुत ही अच्छा एक बहुत ही अच्छा एक शानदार यहाँ पे एटॉमिक यहाँ पे बनाने की कोशिश एक बहुत ही अच्छी शील्ड की तरह प्रोवाइड करा धीरे धीरे जोन के अंदर बनी गाड़ी अभी ब्लास्ट आउट थी लेकिन उसके बाद भी स्मोक थी लेकिन फिर भी गेम प्ले बनता हुआ इस टीम के द्वारा बहुत ज्यादा एक्सलेंट वे के अंदर हमारे धीरे 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 टीम के प्लेयर बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले परफॉर्म करते हुए स्टॉर्म ऑफिशियल्स की टीम का लेकिन जो मैं कहता हुआ नजर आ रहा था वही होता हुआ दिखाई दिया और कॉम्बैट के वार्डर सेगा में लेटे हुए तो उन्होंने प्रॉपरली वहां पे वॉच आउट करा और पूरा का पूरा गेम खत्म करने में रहे कामयाब। 69 XM की टीम अभी भी यहाँ पे आप देखिए हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं सिचुएशन अभी 1v1v3 की सिचुएशन बन चुकी है आप देख सकते हैं धीरे धीरे दोनों बढ़ते हुए दिखाई देने वाले सबसे ज्यादा पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे सकता है ब्लू बर्ड XM की लेकिन बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले ब्लू बर्ड XM ई स्पोर्ट्स के द्वारा और किंग ऑफ द रंगल का टाइटल लेके बहुत ज्यादा शानदार 7 फिनिशेस के साथ यहाँ पे किंग ऑफ द रंगल का टाइटल लेने में रहे कामयाब बहुत ही ज्यादा एक्सलेंट गेम प्ले बनता हुआ इस टीम के द्वारा दैट्स कॉल्ड द रियल समर कप के हर तरफ मतलब गर्मी का माहौल और बहुत ज्यादा एक्सलेंट गेम प्ले हम लोगों को खेलते हुए दिखाई देते हुए सारी टीम अब बहुत ही ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले बनता हुआ एक बहुत ही अच्छा एक मोमेंट आपके सामने नजर आ रहा है देख सकते हैं जो आपके सामने अभी के जो यहाँ पे किल फीड चल रही रिजल्ट चल रहे हैं तो उनका एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन गेम प्ले अगर स्टैंडिंग्स भी मेरे पास आएंगी तो मैं जरूर से जरूर आपको स्टैंडिंग्स भी पूरी की पूरी बताने की कोशिश यहाँ पे करते हुए करने की कोशिश यहाँ पे आपको पूरी करूंगा और आप इस समय देख सकते हैं बहुत ज्यादा बेहतरीन और शानदार गेम प्ले बनता हुआ यहाँ पे टीम्स का तो आप देखेंगे बैक चलते हैं यहाँ पे लॉबी के अंदर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पे प्रो बॉय ऑफ आई ने यहाँ पे 5 फिनिशेस के साथ यहाँ पे एक्स गॉड में खेलते हुए 3 फिनिशेस के साथ और बहुत ज्यादा असिस्ट के साथ गेम प्ले बनता हुआ इस टीम के द्वारा तो दैट्स कॉल्ड द रियल फाइनल्स गेमिंग वी हैव सीन और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल गेमिंग हमें इस टीम के द्वारा बनती हुई दिखाई दी दैट्स कॉल्ड द मैसिव गेम प्ले एंड यू आर वॉचिंग द बीआर लेजेंड प्रेजेंट द समर कप सीजन 1 तो बहुत ज्यादा बेहतरीन और शानदार गेम प्ले बनता हुआ दिखाई दिया तो फटाफट से मैं लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड मैच जो है हमारा मिरामार और बहुत ज्यादा ही एक्शन पैक गेम प्ले हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है तो प्लीज 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 डोंट गो एनीवेयर आई विल बी बैक सून एंड टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक योर कैप्टन मैक्लेन और मैं हूँ यहाँ पे एम्पायर ई स्पोर्ट्स से और आई एम कास्टिंग फॉर बीएलएचएट प्रेजेंट्स समर कप सीजन 1 सो डोंट गो एनीवेयर आई विल बी बैक एंजॉय द मोमेंट Welcome to M-Pesa Esports. As you all know about M-Pesa Esports and what we are known for, and if not, let me show you what do we do and what we are known for and what we have in our arsenal. Looking for an caster or a GFX designer, so you stumbled on the right video. Captain Mecklen. Everybody knows him as Captain, a professional versatile esports caster, a game analyzer, a game coach also,
यहाँ पे फिनिश ऑफ हो चुके हैं, तो दिक्कत का माहौल इस टीम के लिए बनता है। शॉट यहाँ पे कवर लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाएंगे, शॉट जाते हुए दिखाई देंगे डिवाइन को, वन मोर शॉट एंड द गेम इज ओवर होता हुआ दिखाई दिया नियो के साथ। लेकिन गेम प्ले को यहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश, यहाँ पे जॉनी का बहुत ही लेजर स्प्रे देखने को यहाँ पे मिलता हुआ। इस लेजर स्प्रे को देखने के तो दुनिया तरसती है, बहुत ज्यादा एक्सलेंट वे में पुश लगाकर और अननोन को पूरा पूरा फिनिश ऑफ करने में रहे पूरे के पूरे कामयाब। बर्निंग आउट, एवरीबॉडी नोज हिम एज पाजी, फर्स्ट हिमाचली स्ट्रीमर, पंजाबी स्टाइल सुपर प्लास्टर एंड अ गुड गेमर। की सिचुएशन यहां पे टीम नंबर 4 भी यहां पे जो थर्ड पोजीशन सिक्योर करने में यहां पे कामयाब हो चुकी है, लेकिन अभी देखते हैं कौन सी टीम यहां पे चिकन डिनर ले पाती है। हार्ड कार्ड एडवांटेज की बात करें तो टीम नंबर 4 के ऊपर यहां पे हार्ड कार्ड एडवांटेज है, लेकिन इनका जोन यहां पे कट चुका है। डायवोलियो, नोन एज डायवोलियो जीएफएक्स, एडवांस्ड एनिमेटेड लोगोस, थंबनेल, इंट्रो डिजाइनर, वेल ट्रेन्ड, मल्टी टैलेंटेड एडिटर। Wild Raja, known as the backbone of M-Pesa, the manager, a gamer and the fixer, every esports stuff you need for your tournament and scrims, he can manage our organization. So hurry up, contact us, number and social media handles on the screen and in our description too. Thank you, stay tuned for more updates.
dropping. No, I ain't stopping. Homie, regardless. And I ain't stopping. No, I ain't stopping. I'm just getting started. My skin is pale, but I'm a black sheep. Riding through the city, Satan in the backseat. Hey, yo, that's me. I run it like a track meet. A rap fiend. I set the bar high like an athlete. Step in the booth and Zach gon' drop that 808. Cause the vibe is dope and the beat is cracking. Now it's getting laced. I'm sharp as a razor blade. I can blow your mind like JFK. I feel what I want. You ain't gonna box me in like David Blaine. We get it popping, homie, day and night. Got the party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light.
Let me go.
वेलकम बैक, और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे वहाँ पे आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका कास्टर कैप्टन मैकलेन। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा ब्लू रॉयल एक्सएम की टीम यहाँ पे रैंगल का पिछला मैच लेके बहुत ज़्यादा शानदार गेम प्ले हम लोगों को देखने को मिला। तो एच पी गॉड गेमिंग स्टार्ट मत दो, मेरा मार डाउनलोड कर रहा हूँ, डिलीट हो गया था, स्टार्ट मत दो। देखिए ब्रदर, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं फिर भी बोल दूंगा कि ऑर्गेनाइजर्स के लिए कि एक जो है मेरा मार्ग डाउनलोड कर रहे हैं, आपके पास एक मिनट में डाउनलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है एक दो मिनट में। बाकी आप एक बार जब ऑर्गेनाइजर्स जो है बी आर लचेट के, उनका नंबर आपके पास होगा या ग्रुप में जिसमें आप ऐड है, आप उसको एडमिन में उसमें डाल दीजिएगा, प्लीज़ अभी स्टार्ट मत कीजिएगा। और मैं मेरा मार्ग डाउनलोड कर रहा हूँ, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, हो जाएगा। तो बी आर लचेट से मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ देख लीजिए, उनका शायद मेरा मार्ग एक टीम है जो एच पी गॉड गेमिंग, उनका अभी डाउनलोड नहीं है मेरा मार, तो वो अभी डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ डिलीट हो गया था तो इस वजह से, तो प्लीज़ उनको एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, तो अब जो हमारा गेम प्ले है वो है मेरा मार का, और मेरा मार तो आप जानते ही है द मोस्ट डेंजरस डेजर्ट इन बीजीएमआई, और बहुत ज़्यादा ही शानदार एक्सलेंट गेम प्ले होता है। और स्टार्ट मत दो, ये ब्रदर मेरे हाथ में नहीं है, मैं यहाँ पे कास्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि आपको उनसे एक बार बात कर लेनी चाहिए। ओके तो यहाँ पे हो चुके हैं 8:15, और बाकी आप लोग देखिए तो मैच शुरू होने वाला होगा, एक बार आप लोग अपने बात कर लीजिए, ऑर्गेनाइजर से भी बात हो जाएगी, एक दो मिनट का डिले तो चल जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्लीज़ 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 आप लोग यहाँ जुड़ जाइए, और मैच हो चुका है यहाँ पे शुरू, और प्लीज़ आप लेट हो गए आई थिंक, आपको बात कर लेनी चाहिए थी। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं किया जा सकता, आप एक बार ऑर्गेनाइजर से जहाँ पे आपने अपना प्रॉपरली जो सेटअप करवाया है, या जहाँ पे आपने ऑर्गेनाइजर्स को या जहाँ पे आपने रजिस्टर कराया है, तो एक बार उनसे बात कर लेनी चाहिए थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आर्या खेलते हुए नजर आ रहे हैं, विंटॉक्स एलाइट्स के जो है हमारे कॉम्बैट आर्या, और यहाँ पे हमारा शुरू हो चुका है, सारा का सारा डिलीट हो गया। तो ब्रदर देखिए, वो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको एक बार बात कर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट चल जाता है, लेकिन आपको उनसे कहना चाहिए था, लाइव की जगह आप एक बार उनसे एडमिन से जाके बात कर लेते, अगर आप ग्रुप वगैरह में ऐड हो तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो है बेनिफिशियल होता, क्योंकि आप यहाँ पे कह रहे हो लाइव में कभी कभी आप लोग देखते हो, व्यूवर्स देखते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स का ध्यान होता है बेसिकली कि गेम स्टार्ट करने पर, जब गेम स्टार्ट होने वाला होता है। ओके थोड़ा डिले कर दो ब्रदर, अब तो डिले नहीं हो पाएगा, आई थिंक ये स्टार्ट होने वाला होगा, आप मेरी आवाज़ अब सुन रहे हो तो ये स्टार्ट हो चुका है। मैं तो क्या ही बोलूँ, मैंने बोल दिया एक बार उनको, अब देखिए क्या है क्या नहीं है। तो फ्लाइट पाथ हमारे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे चुका है, तो तोरे अबूदा से बहुत ही शानदार फ्लाइट पाथ बनता हुआ लॉस एगोस तक, और बहुत ही ज्यादा शानदार हम लोगों का बनता हुआ थोड़ा सा ये फ्लाइट पाथ, क्योंकि ये मिड ऑफ द सेंटर को नहीं कनेक्ट करता है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे हमारा ईस्टर्न की तरफ जाता जरूर है, लेकिन आपको एल्पोजो तक और लाकोबेरे तक ईजिली एक्सेस दे जाता है, लेकिन प्रॉपरली अगर आपको रोइंस जाना है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। और एल्पोजो आप जा सकते हैं ग्लाइड करके, थोड़ा सा दूर उतर जाएंगे लेकिन हो जाएगा, मॉन्ड्यू आप इजीली जा सकते हैं, और यहाँ पे चमासेरा और साथ के साथ बहुत ही जैसे इम्पाला है, लॉस लेनास ये आपका है, प्रोटोप्रासियो लॉस एगोस साथ के साथ मिनस डेल्सुर, और आपका जो आता है वेल्डेमर, बहुत ही अच्छा एरिया है, और बहुत ज़्यादा शानदार यहाँ पे फाइट्स भी हम लोगों को देखने को मिल जाती है। और सबसे ज़्यादा जो फाइट मुझे सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा एक किक देती है वो हमें मुझे देखने को मिलती है एक प्रॉपर बहुत ही अच्छा जो बहुत ही ज़्यादा वाइड एंगल एरिया होता है, जैसे जस्ट लाइक यहाँ पे कैंपो मेलेटियर एक बहुत बड़ा एरिया है, और साथ के साथ इम्पाला के अंदर बहुत ही डिसेंट फाइट्स हम लोगों को देखने मिलती है, एक जो पर्टिकुलर जो एक हाई ग्राउंड और रिजेज और स्लैट्स का एरिया जो माना जाता है, जो आपका प्लूटो प्रैसियो के ऊपर जितना भी आप ये देख पा रहे हो, जैसे मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जितना भी ब्राउन पार्ट अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा एक हिली एरिया है, प्रॉपर बहुत बढ़िया हिली एरिया है, जस्ट लाइक द ये, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया लॉस हेगोस भी इसमें आता है, तो हल्का सा शेडी पार्ट जितना ये पूरा हिल एरिया है, और इसके अंदर अगर आप खेलते हो
तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता। तो मिडल ऑर्डर जोन में यहाँ पे एक क्लस्टर बनता हुआ मुझे दिखाई दे चुका है। ब्लू बर्ड एक्सेप्ट की थी जो पिछले मैच की हमारी और विनिंग टीम हमें होती हुई दिखाई दी थी और बहुत ज्यादा ही शानदार गेम प्ले बनता हुआ इस टीम के द्वारा दिखाई दिया। और फाइनली यहाँ पे देखिए स्पाइकी को यहाँ पे नॉकआउट करने में पूरा पूरा काबिल रहते हैं। तो थीव वर्सेस होता हुआ यहाँ पे ब्लू बर्ड एक्सएम की टीम का बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले। और इस मामले में फैल्को यहाँ पे नॉकआउट किया, प्रीमियम को यहाँ पे नॉकआउट करने में रहे कामयाब। तो प्रीमियम ने बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले बनता हुआ दिखाई दिया। स्पाइकी को पूरा पूरा फिनिश डाउन करने में ये रहेंगे कामयाब। स्टॉक धीरे धीरे आगे साइड पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। फैल्को को भी यहाँ पे नॉकआउट किया जा चुका है। रेडिएटर ओपी यहाँ पे राइट साइड से बढ़ते हुए लेफ्ट साइड से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वह। और यहाँ पे वन सॉन्ग भी आगे साइड पर बढ़ रहे हो। मुझे लग रहा है कि 3v3 की सिचुएशन है ना, 3v4 की सिचुएशन जो थी वो बचते में कामयाब होगी। स्पाइकी को यहाँ पे बचा लिया गया। और तो उस लेवल पे आप देख सकते हैं इनका बहुत ज्यादा एक फाइटिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे चुका। सामने रेडिएटर के शॉर्ट्स यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए थे तो वो दिक्कत भरी होती हुई दिखाई दे चुकी, क्योंकि रेडिएटर और साथ के साथ यहाँ पे वैन सॉन्ग जो बचे हुए दिखाई, दो प्लेयर हमें दिखाई दे रहे। तो इस बार ब्लू बर्ड एक्सएम की टीम का यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होना लाजमी था, क्योंकि दो प्लेयर बचे हुए दिखाई दे रहे थे। तो ऑलमोस्ट अपने प्लेयर के बाद यहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब बैक तो जाने में फाइट लेने का कोई फायदा बनता नहीं, क्योंकि अपने प्लेयर को बचाने जब आप जा रहे थे तो वो थोड़ा सा एक बढ़िया मोमेंट बनता था। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे आगे साइड पर बढ़ते हुए जाना ही जाना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा मोमेंट इस टीम के लिए बनता हुआ मुझे दिखाई देने वाला है। और निकल गए यहाँ से बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से, प्रॉपरली लूट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बैक साइड से थीव की टीम के यहाँ पे जो शॉट्स आने शुरू हुए थे वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और प्रियम आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा UMP-45 का यहाँ पे बहुत ही अच्छा देने की कोशिश यहाँ पे। रेडिएटर को भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल 2 HP पे यहाँ पे छोड़ दिया गया है, लेकिन बचने की संभावनाएं काफी इस समय बनती हुई दिखाई दी मुझे। थोड़ा सा जोन जस्ट लाइक दैट, जब पिछले मैच में एरेंगल की तरह ही जोन बनता हुआ दिखाई दिया। बहुत ही ज्यादा मैग्निफिकेंट शिफ्ट हमें दिखाई देने वाला है इस जोन के बाद, अगर ये पूरा का पूरा तोरे अमूदा की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा और पैराडाइज हेवन की तरफ दिखाई देगा। तो बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले बनता हुआ इस टीम के द्वारा हमें दिखाई देने वाला है। तो जस्ट लाइक दैट अब आगे साइड से चलते हैं। द नॉकआउट की टीम वर्सेस होता हुआ दिखाई, जब चेरिश को यहाँ पे नॉकआउट किया जा चुका है और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले परफॉर्म करने की जो कोशिश होती हुई दिखाई दी। मैकूल जो खेलते हुए दिखाई दे रहे थे जो नॉकआउट्स की टीम के, उनको भी बैक टू बैक यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया। तो नाइनी की टीम आप देख सकते हैं चेरिश को यहाँ पे जो नॉकआउट करता है एनएडी की टीम ने, और दोबारा की साइड पे और अभी दो प्लेयर यहाँ पे मैकूल हमें दिखाई दे रहे हैं नॉकआउट के और एक प्लेयर चेरिश, ये दो प्लेयर यहाँ पे जो नॉकआउट हुए। बैक को तो रिवाइव मिल जाएगा एनएडी के, जो आप देखते थे को यहाँ पे नॉकआउट किया। बहुत ही शानदार बेहतरीन गेम प्ले बनता हुआ यहाँ पे एक्सॉट का, उन्होंने बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले बनता हुआ दिखाई दिया। और एक साइड से आप बैक साइड से आते हुए दिखाई देने वाले प्लेयर को आप देख सकते हैं गोस्ट, जो अपनी टीम को बहुत ज्यादा बेहतरीन कवर फायर देते हुए अपने प्लेयर को टीमों को प्लेयर को बचाने की जो कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा बेहतरीन और शानदार बनता हुआ दिखाई दिया। तो एनी की टीम के जो एक प्लेयर यहाँ पे नॉकआउट किए गए तो उनको यहाँ पे रिवाइव ऑलमोस्ट बनता हुआ दिखाई देगा। बैक से यहाँ पे आते हुए दिखाएंगे यहाँ पे हनी सर, और देख सकते हैं यहाँ पे हनी सर अपने प्लेयर को क्या यहाँ पे कितना अच्छा कवर दे पाएंगे, क्योंकि बैक साइड एनी की टीम को दोबारा जरूरी नॉक करने में कामयाब रहती हुई टीम हमें दिखाई दिया था। यहाँ पे गोस्ट और गोस्ट का बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया था। और बैक से एक प्लेयर और यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दे, इनके पास जानते हुए दिखाई दिया, नॉकआउट करने में कामयाब। लेकिन बैक जोट का रिटेल शॉट जो बैक से आते हुए यहाँ पे बहुत अच्छा बेहतरीन गेम प्ले बनता हुआ दिखाई दिया। और आप देख सकते हैं हनी सोनी भी यहाँ से निकलने में पूरे पूरे कामयाब होते हैं, क्योंकि बास को भी ऑलमोस्ट यहाँ पे जो दिक्कत दी गई थी वो पूरी पूरी कामयाब होती हुई और वो उससे आलेली फिनिश हो ही जाएगा। और इसी के साथ बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले बनता हुआ था नॉकआउट्स का, और उन्होंने यहाँ पे 3 फिनिशेस अपने खाते में जोड़ लिए हैं। और यहाँ पे एनएनई की एक्सक्लूसिव की टीम के 3 फिनिशेस जो उन्होंने अपने खाते से खो दिए हैं। तो रिप किंग वाइट रिप टीम को दिखाओ। ओके, मैं रिप टीम को अभी आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट का टाइम मुझे दे दीजिए। बिल्कुल मैं रिप टीम को आपको दिखाऊंगा ब्रदर, बेफिक्र रहिए उस चीज़ के लिए। ये लीजिए रिप टीम के पास आते हुए दिखाई देंगे, रिप हल्क हमें दिखाई देते हुए, जॉर्ड ऑफ योर साथ माफिया भी हमें दिखाई देने वाले, शॉर्ट लेने की कोशिश करते हुए जॉर्ड अपनी टीम को बचाने की कोशिश, क्योंकि सामने से जो खेलती हुई हमारी 69 एक्सेप्ट की टीम उनको रोकने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास करते हुए हमें यहाँ पे जॉर्ड के प्लेयर और पूरा बड़ा रोटेशन देते हुए हल्क यहाँ पे राइट साइड रोटेशन करते हुए जा रहे हैं। पीछे से बहुत ही अच्छा सरप्राइज देने के लिए बहुत ही अच्छा एक गेम प्लान बनाने की कोशिश, क्योंकि रिप की टीम के लिए मैं पहले भी कास्ट कर चुका हूँ। बहुत ही अच्छा एक ग्राउंड का एडवांटेज इनके पास रहता है हमेशा, ग्राउंड के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा शानदार होते हैं इस टीम के लिए। और जॉर्ड ऑफ इन्हें बहुत ज्यादा बेहतरीन और शानदार गेम प्ले परफॉर्म करके निकाला और सामने की टीम के प्लेयर 2 प्लेयर यहाँ पे नॉकआउट करने में रहे कामयाब, बहुत ही बेहतरीन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और साथ के साथ शिवम को भी ऑलरेडी फिनिश ऑफ करने में रहे कामयाब। आप चाहे सेवेज और साथ के साथ यहाँ पे एक्स जूनियर खेलते हुए जो नजर आ रहे हैं उनको दिक्कत
थोड़ी सी देने की कोशिश यहाँ पे होती हुई शॉर्ट्स यहाँ पे पड़ते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा बचाना। जॉर्डो भी राइट साइड से यहाँ पे दिक्कत दे रहे हैं और मुझे भी लगता हुआ इस समय नजर आ रहा है कि 69XM की टीम ने एक प्लेयर ऑलरेडी अपने खो के बहुत ही ज्यादा दिक्कत और दुखदंत होता हुआ, लेकिन एक प्लेयर को और खो देंगे तो ये सिचुएशन, इसमें दो प्लेयर यहाँ पे बच जाएंगे जो पूरा पूरा गेम निकालने की ताकत तो खैर रखते हैं, लेकिन दो प्लेयर की जब कैजुअलिटी हो जाती है तो ये फिनिश अप होते हुए बहुत ज्यादा बेहतरीन और दो फिनिशेज यहाँ पे जुड़ते हुए बहुत ज्यादा रिप ऑफिस की टीम के पास जुड़ता हुआ बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्लान बनता हुआ दिखाई दिया। चुमा से रह के एरिया के पास सॉरी ऊपर की साइड पे ये वे क्रूसर डेल वाले के पास चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर लंच खेलते हुए हमें नजर आने वाले हैं जो है हमारे लास्ट प्लेगर्स की टीम के बहुत ज्यादा शानदार बेहतरीन प्लेयर्स ये इस टीम के। और अब देखने वाली बात है कि मिड ऑफ द जोन सेंट्राइज कहाँ पे होता है और एक बहुत ही अच्छा एक हार्ड शिफ्ट जो है मिलता हुआ हमें जो दिखाई देने वाला है। तो जॉर्डो भी ने यहाँ पे आरएनजी नॉक्स को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गाड़ी के द्वारा और ए भी ने यहाँ पे बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले बनाने की कोशिश और पूरा पूरा फिनिश ऑफ करने में भी रहे कामयाब। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डेजनी एक्स की टीम हमें खेलती हुई जो नजर आ रही है यहाँ पे डेजनी एक्स ई स्पोर्ट्स, उन्होंने एक प्लेयर अपना खो दिया और बहुत ज्यादा शानदार एक फिनिश खाते में जोड़ने में रहे कामयाब। यहाँ पे हमारे गॉड स्टेट की टीम के प्लेयर बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हमें दिखाई देते यहाँ पे टाइगर पूरा रोटेशन डालने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आने वाले हैं और धीरे 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 ऊपर की साइड पे आप एक अपर ग्राउंड का एडवांटेज लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए, क्योंकि जो हायर ग्राउंड का एडवांटेज इस समय लेते हुए यहाँ पे डेजन एक्स की टीम ऊपर बैठी हुई दिखाई दे रही, क्योंकि स्पाइडी नॉकआउट किए जा चुके हैं लेकिन उनको रिवाइव देने की जो कोशिश यहाँ पे होती हुई नजर आएगी वो थोड़ा सा दिक्कत भरा इस टीम के लिए हो सकता है। गाड़ी लेते हुए ढूंढते हुए पूरा पूरा रोटेशन करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए और टाइगर ने यहाँ पे स्पाइडी को पूरा पूरा नॉकआउट और फिनिश ऑफ करने में कामयाब रहते हुए नजर आए। टाइगर भी यहाँ पे निकलने वाला है लेकिन टीम यहाँ पे भागने की बजाय अगर थोड़ा सा यहाँ पे एक प्लेयर फिनिश निकाल के उसके बाद आप जाना करें सर्वाइव करना पसंद करें तो वो आपका एक बहुत ही अच्छा एक मोटो बनता हुआ दिखाई देता है, एक बहुत ही अच्छा एक जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई देता है टू मैन प्लेयर का, क्योंकि ऑलमोस्ट दो प्लेयर धीरे धीरे फिनिश ऑफ होते की कगार पे आते हुए दिखाई दिए मुझे डेजनी एक्स स्पोर्ट्स की टीम के द्वारा और गॉड स्टेट की टीम के दो फिनिशेज उनके खाते में जुड़ने में। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत, लेकिन काफी टीमों को इस टीम के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे एक बहुत ज्यादा मुआवजा यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उनके टीम के द्वारा यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत का माहौल बन चुका है, क्योंकि ऑलमोस्ट दो दो प्लेयर की ऐसे इस तरीके से अगर कैजुअलिटी होती हुई दिखाई देगी तो टीम्स को बहुत 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 इस टीम का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत ज्यादा दिक्कत भरा माहौल इस टीम के द्वारा बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे डेजर्ट एक्स में निकलने में कोशिश कामयाब होते हुए लेकिन अभी भी जोन के बाहर खेलते हुए और बैक से रोटेशन करती हुई कॉम्बैट ऑफिशियल की टीम जो ऑलमोस्ट हमारे प्रूव तो प्राचे में खेलती हुई नजर आ रही थी तो वहां से जाने की आगे साइड में पड़ती हुई दिखाई देने वाली है। अब देख सकते हैं सेज ऑफ एजेस की टीम के प्लेयर ऑलरेडी यहाँ पे जोन के अंदर बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करते हुए राइट हैंड साइड से एक प्लेयर टीम की टीम रोटेट करती हुई नजर आ रही है अपनी दो फिनिशेस लेने में कामयाब। तो इनका जो है माइंड भी मुझे लगता है कि जो एक साइड से अगर गेट कीप करने की कोशिश यहाँ पे करती कौन सी टीम सबसे पहले गेट कीप करेगी और घुसने का प्रयास ये पिकाडो की तरफ से करते हुए मुझे इस समय नजर आने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले बन सकता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे शॉर्ट्स यहाँ पे कवर होने की कोशिश यहाँ पे करते हुए यहाँ पे X29 OP की टीम के एक प्लेयर यहाँ पे नॉकआउट हो गए RDX3 और उनको पीछे से मार्टिन रिवाइव करते हुए जेडी को भी नॉकआउट किया जा चुका है। तो टेस्ला की यहाँ पे टीम बहुत ज्यादा दिक्कत में आते हुए अल्ट्रा वॉलेट के प्लेयर्स ने यहाँ पे दिक्कत में डाला और फ्रोजन ने यहाँ पे एक फिनिश निकाल के किया इस टीम का बहुत ज्यादा नुकसान और ये दिक्कत अब और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप इस समय देख सकते हैं रिवाइव तो ऑलमोस्ट मिल चुका था RDX की टीम का अगर एक नेट अगर ऊपर की साइड पे जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई प्लेयर अवेलेबल है नहीं अभी टेस्ला को जो ऑलरेडी यहाँ पे जो नॉकआउट किया गया था अल्ट्रावर्ट के प्लेयर को। तो इसको मुझे लगता है पीछे से एक बहुत ही अच्छा कवर फायर आ सकता है बैक से इस टीम के द्वारा, क्योंकि धीरे धीरे पीछे से जो लोन वुल्फ आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है इनको बचाने में कामयाब हो सकते हैं। फ्रोजन यहाँ पे ऊपर की साइड पर बैठे हुए अपनी टीम को अपने प्लेयर को बचाने की थोड़ी कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई देने वाले हैं। बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले बनता है यहाँ पे इस टीम के द्वारा। तो यूट्यूब शॉर्ट्स वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर रिप किंग YD वेलकम टू द स्ट्रीम और VMC काकीशी वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। तो शॉर्ट्स यहाँ पे देते हुए टीम को यहाँ पे रोकने का पूरा प्रयास करते हुए हमें दिखाई देते हुए फ्रोजन और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सामने वाली टीम को भी यहाँ पे दिक्कत देने हुए जो अननोन को यहाँ पे जो नॉकआउट इन्होंने किया वो काबिल तारीफ। अपने प्लेयर को शायद यहाँ पे बचाने में तो खैर कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन आप देख सकते हैं बैक से लोन रोल को जो दिक्कत में डाला गया था जो अंदर की साइड पे घुसते हुए, तो उसी के साथ फ्रोजन यहाँ पे अकेले बचे हुए दिखाई दिए। तो मेरा वहाँ पे बहुत सी चीज़ें बहुत ही सडन में बहुत ही ज़्यादा क्विक मूवमेंट होता हुआ टीम को दिया, धीरे धीरे टीमें यहाँ पे धराशाई होती हुई, लेकिन अभी भी
पीसी में खेलती हुई नजर आ रही है। वो 63 प्लेयर्स आर अलाइव इन फ्रंट ऑफ पास और बेवा मार का बहुत ही बेहतरीन और शानदार एक गेमिंग लेवल है हमें बनता हुआ। लैब एंडिटा की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमारी टीम यहाँ पे एक्सक्लूसिव के जो हनी शेयर हमें खेलते हुए नजर आ रहे थे और वो हमें दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे गॉड स्टेट की टीम के अपोजिट। तो मुझे लग रहा है कि अभी कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे और वही होता हुआ लगा बागर गलती कर बैठे और यहाँ पे बहुत ज्यादा आप और एक फिनिश और इस खाते में जोड़ते हुए यहाँ पे गॉड स्टेट की टीम की तरफ और बहुत ज्यादा दिक्कत का माहौल इस टीम के लिए बनता हुआ दिखाई दिया था। तो गॉड स्टेट के एबी ने बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले परफॉर्म करके और अपने खाते में भी एक फिनिश जोड़ने में और रहे यहाँ पे कामयाब। थोड़ा सा यहाँ पे आगे जंक साइड के एरिया के पास चलते हैं जहाँ पे हमारी टीम इंतजार कर रही है डील डील की टीम और डील डील की टीम के साथ ही यहाँ पे यहाँ पे टीम हमें खेलती हुई नजर आ रही है। मामा एरो मुझे लग रहा है अभी भी डीएमआर का एक्शन यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। तो डीएमआर इज द मोस्ट 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 एक्साइटिंग वेपन क्योंकि मेरा मार के अंदर अगर डीएमआर और स्नाइपर का एक्शन अगर आपने नहीं देखा तो गाइस आपने कुछ भी नहीं देखा मेरे हिसाब से। लेकिन अब वो जो जाए मेरा मार की जो जान है वो स्नाइपर्स ही है क्योंकि स्नाइपर्स का गढ़ यह माना जाता है जिसकी वजह से सामने वाली टीम को थोड़ा सा और स्पेशल मोमेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ती हुई दिखाई दे जरूर सकती है। तो ऑलमोस्ट जोन के शिफ्टेड का माहौल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे जरूर सकता है क्योंकि टोरा बैंका के आसपास के एरिया को जो ऑलरेडी कैप्चर करते हुए यहाँ पे स्टोर की टीम हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे स्टॉर्म और उन्हीं के साथ दूसरे हैवॉक को भी खेलते हुए हमें नजर आ रहे हैं लॉस्ट फ्लैगर फ्रैगर के। और अब देखना बात है कि यहाँ पे हैवॉक को भी किस तरीके से इस टीम को और ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। हैवॉक का यहाँ पे स्प्रे इस टीम का यहाँ पे गेम प्ले मैं जरूर देखना चाहूंगा क्योंकि लॉस्ट प्लेयर की टीम के ये प्लेयर हमें पहली बार फर्स्ट टाइम देखा। लिंच का तो गेम प्लेयर नेचुरियस का तो गेम प्ले हमें देखा है गॉड बॉय हमें खेलते हुए बहुत ज्यादा शानदार देखने का मिड ऑफ द जोन का सेंट्राइज पकड़ने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर हमें आने वाले एक फाइट ऑन द मीन वाइल यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है X29 और शॉट जो दिए गए थे वो थोड़ा सा दिखता हुआ आरडीएक्स एसपी को यहाँ पे नॉकआउट करते हुए फ्रोजन हमें दिखाई दिया था। पूरा मुझे लग रहा है एक डीएमआर का एक्शन दिखा गया और पूरा का पूरा गेम प्ले खत्म करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई देगी बहुत ज्यादा दिक्कत का बॉल एक प्लेयर को नॉकआउट करने में कामयाब रहते हुए दिखाई नजर आ रहे शॉट ज्यादा बहुत ज्यादा ब्रिलियंट के लिए परफॉर्म करते हुए नजर आए बहुत ज्यादा एक्सीलेंट परफॉर्म करते हुए हमारे यहाँ पे फ्रोजन और एक प्लेयर को डीएमआर का एक्शन यहाँ पे देने में कोशिश गाड़ी को पूरा पूरा ब्लास्ट आउट करने में कोशिश फ्रोजन ने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ब्लास्ट आउट में यहाँ पे आरडीएक्स एक्स को ऑलरेडी फ्री शॉट करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नजर आए बहुत ही बेहतरीन तरीके से और स्पाइकी को यहाँ पे निकलना पड़ेगा उमा को थोड़ा सा दिक्कत बनता हुआ मार्टिन और साथ के साथ खेलते बैक्स को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होता है लेकिन फ्रोजन यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं सामने वाली टीमों को परेशान करते चले जा रहे हैं। लेकिन बैक साइड से जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक टीम ऑलरेडी रोटेट करती हुई नजर आने वाली तो उसको यहाँ पे एक बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले देखने को मिल जरूर सकता है और कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं रिटेलिएशन शॉट्स का और बैक से यहाँ पे देख सकते हैं मार्टिन भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मार्टिन बॉली यहाँ पे क्रिएट करी तो बॉडी के साथ साथ नॉकआउट होने की कगार यहाँ पे हो चुकी है बहुत ही ज्यादा दिक्कत भरा माहौल। अननोन को एक बार देख लेते हैं जो ऊपर जो यहाँ पे मुझे लग रहा है और जोन है द डेविल कम्स और पूरे प्लेयर को यहाँ पे देखने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई देंगे शॉट यहाँ पे लेने की कोई यहाँ पे करते प्रोजन को यहाँ पे नॉकआउट करने की कोशिश यहाँ पे कर जरूर रहे हैं लेकिन कोई भी शॉट यहाँ पे कवर होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। दो प्लेयरों के बीच में एक बहुत ज्यादा हाथ संग्राम छिड़ता हुआ दिखाई दिया एक प्लेयर ऑलरेडी तो ये सिचुएशन इस समय बनती हुई दिखाई दे चुकी है बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूवमेंट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया X29 और खेलते हुए यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट की टीम के प्रोजन और दोनों टीमों के बीच में यहाँ पे 1v1 की सिचुएशन। अब देखते हैं कौन सी टीम सबसे पहले ब्लीड आउट होती है क्योंकि दोनों प्लेयर ही अभी इस समय आ चुके हैं जोन के बिल्कुल जिसे कहते हैं रेड जोन के अंदर क्योंकि यहाँ पे उनको दिक्कत आ जाएगी और बहुत ज्यादा दिक्कत एक हो जाएगी। अगर कहते हैं कैंप ऑपरेटर के पास बहुत ज्यादा शानदार हमारा एक प्रिय ड्रॉप गिरता हुआ दिखाई दिया एंड देयर इज द स्पीडो और हमारे को यह मिल चुकी है यहाँ पे MG3 द स्पीडी गन और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिसर को और बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले। तो शिफ्टेड माइट भी इधर से अगर हमारा एक गेम प्ले बनता है तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा एरिया जो सर्टन अराउंड में क्रूज डेवेले की तरफ के मिड ऑफ द सेंट्राइज मुझे लगता है इस समय जाना चाहिए या थोड़ा सा शिफ्टेड होता हुआ क्रूज डेवेले तोरा मुडा और साथ के साथ टेरा ब्रैंक का भी बनता हुआ हमें ये दिखाई ये मल्टी शिफ्टेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक अच्छा मोमेंट एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन गेम प्ले टीमों के द्वारा हमें दिखाई देता हुआ और अब थोड़ा सा यहाँ पे देखना बाकी है कि बाकी के रिप की टीम किस तरीके से परफॉर्म करती है क्योंकि इनके पास ही जो दूसरी ब्लू बर्ड की टीम खेलती हुई और थीम के दो प्लेयर में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत ही अच्छा एक्सेलेंट गेम प्ले दिखाने की कोशिश करते हैं। जॉर्ड वाइडी हमें दिखाई दे रहे हैं साथ में हल्का हमें दिखाई देते हुए और उन्हीं के साथ ही दिखाई दे रहे हैं माफिया और शॉट बहुत ही हायर ग्राउंड एक बहुत ही अच्छा एक रॉकी एरिया जैसा मैंने बोला था बहुत ही अच्छे बेहतरीन वाटर ट्रीटमेंट का एक बहुत ही अच्छा हायर ग्राउंड एरिया बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले हमें बनता हुआ दिखाई देता हुआ दिखाई दे गुड वर्क कास्टल लव्स फ्रॉम द आई
IQ Esports, what a energy in Kasa. Thank you so much. Thank you so much, brother. अगर आपको अच्छा लगा बहुत ही thank you so much. आप अच्छा लगा तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. तो यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया वाटर ट्रीटमेंट का एरिया, बहुत ही ज्यादा शानदार, बहुत ही ज्यादा रॉकी एरिया. एक हायर ग्राउंड का एडवांटेज सामने वाली टीम को परेशान करने के लिए, बहुत ही एक एडवांटेज और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले. जैसा जस्ट लाइक मैंने बोला था, क्रूज डेवेलेट्रोबांग का और इस एरिया को अंदर सपोर्टेड करता हुआ हमारा गेम प्ले बनता हुआ बहुत ही ज्यादा शानदार और अग्रेसिव मूवमेंट इस टीम के द्वारा. तो स्पीडो के साथ साथ हम लोगों ने इस समय यहाँ पे देखा तो बहुत ज्यादा माइटी गाने का मैं बनती हुई. And here is the mightiest gun of the Miramar and the core heart soul of the Miramar, that's called the ohm. This is not the gun, this is emotion and this is the responsibility. So ohm agar koi banda yahan se uthata hai to usko bahut hi zyada ek responsibility mil jayegi us team ki taraf se, because this is not the ordinary gun, this is the responsibility. And if you are the responsible for the all the game, aur agar aapki team yahan pe haarti hai aur aap yahan pe sniper ka proper use nahi karte ho, to ये गन आपको जो है बिल्कुल भी यहाँ पे टीम्स जो है आपको बख्शेंगी नहीं. और यू आर ऑल द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनी ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. और ये होता हुआ दिखाई दिया बहुत ज़्यादा बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पे गॉड स्टेट की टीम के द्वारा. और देखेंगे मिड ऑफ द जोन के अंदर 69 की टीम ऑलरेडी फिनिश ऑफ करने में रहे कामयाब. बैक साइड से चलने की कोशिश यहाँ पे करते हुए नॉकआउट की टीम इस समय दिक्कत देने की कोशिश यहाँ पे करती हुई हमारे फॉर्क एंड राइज ईस्पोर्ट्स के टीम के प्लेयर को. और इस समय इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बाकी के प्लेयर भी ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुके हैं, जीरो फिनिश पे खेल रहे हैं और 18 नंबर पोजीशन पे अपनी टीम को यहाँ पे खत्म कर हो जाना और साथ के साथ अपनी टीम के साथ अगर खत्म हो जाते हैं तो बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगी. चुपचाप बैठे रहेंगे तो ज्यादा माइट पे एडवांटेज इनको मिल सकता है. और स्मोक वॉल के साथ साथ धीरे धीरे यहाँ पे टाइगर बढ़ते हुए दिखाई देने वाले, अपनी यहाँ पे बगी को लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए, गाड़ियों को यहाँ पे प्रॉपरली सेव करने की कोशिश, क्योंकि जोन के अंदर बढ़ने में यही सबसे ज्यादा आपका साथ देती हुई नजर आ सकती है. और बहुत ही अच्छे रॉकी एरिया के साथ साथ अलग अलग एरिया को भी कनेक्ट करते हुए हमें दिखाई देने वाले थे, लेकिन अब देख सकते हैं रॉकी ओपी किस तरीके से बचाने में कोई नहीं हुए हैं, क्योंकि बैक से जो शॉट्स आते हुए हमें इस टीम के द्वारा दिखाई दिया, नॉकआउट्स की टीम के द्वारा दिखाई दे रहे थे, तो उसको मुझे लगता है स्नाइपर की टीम के पूरा रोटेशन लेने के बाद उस टीम को थोड़ा सा ये एक अच्छी तरीके से जिसे कहते हैं एक सर्कुलेट करने की चक्रव्यूह के अंदर रचने की क्रिएट करने की कोशिश करती हुई गॉड स्टेट की टीम हमें देखने को मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 6 फिनिशेस अभी खेलते हुए नजर आ रहे हैं. तो बहुत ज्यादा शानदार तरीका इस टीम का. और एक टीम और धीरे धीरे बढ़ती हुई हमारी दिखाई दी है BLX टीम, ये भी धीरे धीरे आगे साइड पर बढ़ती हुई दिखाई दी. चारों के चारों प्लेयर धीरे धीरे आते हुए और यहाँ पे इस समय दिक्कत होती हुई दिखाई दे चुकी है गॉड सेट की टीम को, अपने टीम को यहाँ पे प्ले जाने की कोशिश यहाँ पे करते हुए पुनः ने यहाँ पे शॉट दे दी, कोई यहाँ पे टैगर को नॉकआउट करने में रहे कामयाब बहुत ज्यादा शानदार तरीका. और थर्ड पार्टी एग्जीक्यूट होता हुआ था जिसकी उम्मीद भी नहीं थी गॉड सेट की टीम को, वो होता हुआ दिखाई दिया. ऑलमोस्ट यहाँ पे कॉल मोमेंट यहाँ पे आने शुरू हो ही गए होंगे. और यहाँ पे देख सकते एबीबी यहाँ पे इंटेलिजेंट शॉट्स यहाँ पे आते हुए दिखाई देते हुए और बाकी की टीम BLX की टीम को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करती हुई दिखाई देगी. और क्योंकि जोन के अंदर से बढ़ना वो थोड़ा सा डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि अभी धीरे जब धीरे धीरे जोन एक बहुत ज्यादा हार्डशिप लेना शुरू करेगा तो आप लोगों को दिक्कत देता है. एंड द शिफ्ट, लुक एट दिस, देयर इज द माइटी शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे एक जोन का बनना बहुत ज्यादा दिक्कत का माहौल होता हुआ और एक ड्रॉप जो है वो ऑलमोस्ट बाहर गिरता हुआ. एंड देयर हियर इज द अनटीम बीस्ट दैट्स कॉल्ड द ग्रोजा, बहुत ज्यादा शानदार गन मिलता हुआ जोन के बाहर गिरता हुआ, तो इसका जो फायदा उठा सकती है वो उठा सकती है हमारी डील की टीम. अगर यहाँ से आगे की साइड पर बढ़ती तो शायद माइट भी उठा लेनी चाहिए और या फिर उठा सकती है हमारी यहाँ पे एसडी की 30 नंबर की टीम जो खेलती हुई कॉम्बैट ऑफिसर की टीम शॉर्ट चौपे होते हुए दिखाई देंगे. टेसिक को नॉकआउट करने में रहे कामयाब यहाँ पे टेसिक की वाइड और इनको दिक्कत हो सकती है यहाँ पे डेजनएक्स की ईस्पोर्ट्स की टीम के प्लेयर ऑलरेडी यहाँ पे फिनिश ऑफ करने की कगार पे आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत का माहौल जूम FTW दिक्कत में आ चुके हैं और दिक्कत यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी. एक प्लेयर को ऑलरेडी नॉकआउट करते हुए एक्स गार्ड यहाँ पे नॉकआउट होते हुए हमें दिखाई दिए जो नॉकआउट्स की टीम के, लेकिन उनको थोड़ा सा कामयाब जरूर करना पड़ेगा क्योंकि दो साइड से इस टीम को खेला जा चुका है. एक साइड से खेलती हुई हमारी टीम हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं गॉड स्टेट की टीम और एक साइड से BLX की टीम हमें देखने को मिलती हुई दिखाई देगी. और ऊपर से हायर ग्राउंड का एडवांटेज लेते हुए हमें एक टीम जो नजर आ रही है वेंटॉक्स एलाइट की, जो है हमारे कैप्टन फ्रीड और उन्हीं के साथ खेलती हुई हमारे बाकी के टीम के प्लेयर वेंटॉक्स के नोवा. तो ऊपर साइड से जाएंगे लेफ्ट साइड से हमारी सामने की साइड पर टीम बैठी हुई नजर आती हुई थीप के उमा उस्माई की, दो ही प्लेयर यहाँ पे बचे हुए, दो प्लेयर अली
रोटेशंस में और अर्ली गेम के स्टार्टिंग्स में ही फिनिश ऑफ हो गए थे और तो लेकिन अपनी टीम को टीम 16 तक लाने में रहे कामयाब। तो अब देखेंगे कैप्टन प्रीट को यहाँ पे किसे बचाया जा सकता है। प्रॉपर यहाँ पे स्पाइकी मूवमेंट यहाँ पे करते हुए टीम को यहाँ पे देखने की कोशिश, बहुत ही अच्छी टीपीपी लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए प्रॉपरली वॉच आउट करेंगे। अगर कोई पिक्सल यहाँ पे दिखेगा या इनका एम प्रॉपर यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश होगा, प्रॉपर एम कनेक्ट कर पाएंगे तो ही यहाँ पे सामने वाले को डैमेज दे सकते हैं। मुन्ना जीतते हुए यहाँ पे नजर आ चुके हैं और इस समय बहुत ज्यादा गॉडल के जोनाथन भी यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे मिलने वाला है। शॉट जहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया, बहुत दिक्कत का माहौल बनता हुआ इस टीम के द्वारा। देखेंगे सैलेट के टीम के बैक टू बैक प्लेयर बीएलएक्स की टीम हमें देखती हुई ओएस खेलते हुए मुन्ना और साथ के साथ साजिद ए प्लेयर की टीम भी बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले फोर फिनिशेस के साथ खेलती हुई दिखाई दी थी। रिटेलिएशन शॉट के अंदर फ्रोजन का गेम प्ले बनता हुआ लेकिन थोड़ा सा दिक्कत जरूर दे सकता था। जोन इस समय आता हुआ एक मिनट का टाइम हमें लेता हुआ दिखाई देगा। जोन के बाहर से धीरे धीरे आगे साइड पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे मगर गेट कीप करती हुई हमारी ये बैक टू बैक टीम द नॉकआउट की टीम इस समय ये टीम को बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकती है। तो बीएलएक्स की टीम को थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा या सामने वाली टीम को थोड़ा सा दिक्कत देके या नॉकआउट करके ही आगे एक साइड पे पढ़ना होगा या सामने वाले का जो विजन है वो प्रॉपरली ब्लॉक करने के बाद ही जोन के अंदर एंटर करना पड़ेगा क्योंकि जोन के अंदर दो टीमें इस समय कर रही हैं हमारा गेट कीप जिससे हम कह सकते हैं सामने की साइड पे खेलते हुए हमें दिखाई देते हुए नजर आने वाले हैं और शॉट यहाँ पे दिखाई देते हुए भी हमें दिखाई देते हुए हमें दिखाई देंगे। तो स्पाइडी यहाँ पे हमारे ओम का फटका दिखाते हुए बहुत ज्यादा शानदार देखे थे तो मैं तो यहाँ पे ओम का बिल्कुल भी फटका देखना पूरा पूरा चाहूंगा और अगर शॉट 1% भी यहाँ पे दिखाई देगा तो पता आ जाएगा सामने वाली टीम का थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन जरूर होता है। जब अगर ओम आप पे अगर बॉडी कनेक्ट करती है, जब हेल्थ आपकी 1 HP रह जाती है शॉट कनेक्टेड में, तो तब जो है एक बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं एक फियर बहुत ज्यादा केयरफुल मोमेंट वहां पे बनता है क्योंकि प्लेयर को डर लगता है कि अगर मैंने हल्का सा भी यहाँ पे पीक दिया तो दिक्कत मोमेंट यहाँ पे बन जाएगा। बाकी की टीम धीरे धीरे जोन के अंदर बढ़ने की कर रही है कोशिश। बैक से आप देख सकते रिपोपेशियस की टीम भी राइट साइड से बढ़ने की जोन के अंदर बढ़ने की कोशिश लेकिन बैक से उनकी टीम के प्लेयर यहाँ पे खेलते हुए जो नजर आ रहे हैं सामने स्टॉर्म ऑफिशियल की टीम, ये थोड़ा सा एक बहुत अच्छा मोमेंट और स्मोक वॉल के साथ साथ जोन के अंदर बढ़ने की कोशिश यहाँ पे की जरूर जाएगी और आगे की साइड पर रोकने का पूरा पूरा जो प्रयास करती हुई हमें जो टीम है ब्लू बर्ड की हमें दिखाई दे रहा है पूरी एनर्जेटिक गेम प्ले हमें बनती हुई दिखाई देगी। तो जोन के अंदर बढ़ना मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि 8 सेकंड के अंदर जब ये जोन आना शुरू होगा इट्स माइट बी वेरी केयर वेरी 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 पेनफुल क्योंकि इन टीमों के लिए बहुत ज्यादा ही दिक्कत इस बार मोमेंट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। लॉस्ट ट्रैगर भी आगे साइड पे दिखाई देंगे, रोटेशन लेते हुए हमारे थीप के प्लेयर हमें देखते हुए यहाँ पे मिलने वाले हैं। उमा यहाँ पे रिटेलेशन में आगे साइड पे बढ़ते हुए जोन को बिल्कुल टच करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए और बैक साइड से आते हुए यहाँ पे लिपिक की टीम हमें देखने को यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देगी। लॉस्ट ट्रैगर की टीम अभी भी रोकने को तैयार, लेची हमें सामने की साइड पे दिखाई दे रहे हैं, न्यूट्रिस भी हमें आगे की साइड पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट देख सकते हैं थीप की टीम ने अभी भी गेट कीप करना यहाँ पे शुरू कर दिया। जोन के अंदर बहुत ही परफेक्ट तरीके से यहाँ पे पहुंचते हुए दोनों पे स्पाइक और उमा बहुत ही एक एक्सपीरियंस आईजीएल के रूप में यहाँ पे उभरते हुए और बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले परफेक्टली बनाते हुए दिखाई दिए। जोन से यहाँ जोन ने अपना काम करना यहाँ पे शुरू कर दिया है, धीरे धीरे मोमेंट यहाँ पे बनता हुआ बहुत ज्यादा अग्रेसिव और साथ के थंडरबोल्ट इस समय दिक्कत में आते हुए दिखाई देंगे। नूब गैंग को यहाँ पे रिवाइव करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई देंगे। चाइनीज एड के साथ साथ लेवी को नॉकआउट जब किया गया था और यहाँ पे नूबला गैंग के साथ साथ हमें चाइनीज हूँ XDB पूरा यहाँ पे स्मोक वॉल बनाई गई होती है और इन मीनवाइल आप देख सकते हैं मिड ऑफ द जोन इट द सेंटराइज्ड द नॉकआउट टीम हैज बीन कैप्चर्ड द सेंटराइज क्योंकि यहाँ से सारी टीमों को सिर्फ बाहर की साइड पे रोकना है। बाकी इन्होंने बहुत ही अच्छा क्यों किया, बाकी जो है ऑलमोस्ट जोन अपना काम कर ही लेगा 46 सेकंड्स के अंदर। तो धीरे 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 आगे साइड पे बढ़ती हुई 2% क्लेश होता हुआ दिखाई दिया और बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले परफॉर्म करते हैं। गॉड स्टेट की टीम को ऑलमोस्ट यहाँ पे थंडरबोल्ट के द्वारा अपनी शॉक करते हुए 7 फिनिशेस के साथ गेम प्ले बनता हुआ दिखाई देगा। पीछे की साइड पे नाइन गेम भी अब खेलते हुए हमें टीम जो बैक टू बैक हमें दिखाई देने वाली है वो बहुत ही लॉस्ट प्लेयर इस समय बहुत ज्यादा दिक्कत में आने वाली है। 25 सेकंड बाद द जोन इज बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव रूप लेते हुए हमें नजर आएगा और इस समय देख सकते हैं मिड ऑफ द सर्कल के अंदर जोन के बिल्कुल पास जोन के अंदर बनता हुआ हमारा एक प्रिय ड्रॉप गिरता हुआ दिखाई दिया
और जोन के अंदर ही गिरा हुआ है। ऑलमोस्ट इस समय सबसे बेहतरीन गेम प्ले बनता हुआ, बाकी की टीम जो होल्ड करके बैठी हुई तो नॉकआउट्स की, तो उसके लिए हम लोग देखने पाएंगे। एंड वन मोर ओम इज हियर, अगर यहाँ से एक ओम यहाँ पे उठा लेते हैं तो यहाँ से बहुत ही अच्छा गेम प्ले बनता हुआ दिखाई देगा। स्पाइकिंग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बैक से अगर आप देख सकते हैं लिंच हमें दिखाई देने वाले, लिंच यहाँ पे शॉट लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई देगा, और यहाँ पे चाइनीज हुक को बहुत ज्यादा शानदार नॉक देने की कोशिश, लेकिन आधा काम तो जोन ने कर दिया था, आधा काम कर दिया यहाँ पे सामने चाइन टीम ने, और बहुत ज्यादा तीन टीम हमें खेलती हुई बहुत ज्यादा शानदार तरीके से चाइनीज हुक ने यहाँ पे बहुत अच्छा रिटेलिएशन शॉट खेलते हुए नजर आने वाले थे। तो थीप की टीम हमें देखते हुए दिखाई दी है यहाँ पे, और थंडरबोल्ट्स की टीम भी दिखाई देने वाली है साथ के साथ खेलती हुई हमारे, तो नॉकआउट बहुत ज्यादा बेहतरीन सेवन पिछली के साथ खेलती हुई ये टीम का बहुत ज्यादा अग्रेसिव मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे चुका है। ऑलमोस्ट सडन का जो शिफ्टेड होता हुआ दिखाई दिया था, अभी भी ऑन द एज सर्कल के एच पे खेलती हुई हमारी यहाँ पे नॉकआउट्स की टीम दिखाई दे रही है। एक साइड पे थोड़ा सा सर्कल से थोड़ा सा पीछे की साइड पे एक अच्छे रोटेशन के साथ हमें टीम दिखाई देती हुई थंडरवॉल्व्स की, और अब और एक साइड से हमें दिखाई देती हुई हमें टीम दिखाई देने वाली थीप्स की, जो ऑलरेडी टच कर चुकी है उमा को, ऑलरेडी यहाँ पे नॉकआउट किया जा चुका है। स्पाइक ही उन्हें बचाने की कोशिश पूरी करेंगे, क्योंकि एक से भले दो वाला हिसाब यहाँ पे बनता हुआ इस टीम के द्वारा बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले, और 39 सेकंड से पहले मुझे लगता है ऑलरेडी यहाँ पे 9 सेकंड के अंदर ये काम हो जाना चाहिए 15 सेकंड में, क्योंकि रिवाइव यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे सदर जो है इनकी फाइटिंग बनती हुई दिखाई दे चुकी है, और बहुत ही अच्छा नॉकआउट का एक बहुत ही अच्छा हायर ग्राउंड का एडवांटेज और भारी पड़ते हुए सामने वाली टीम पे गोस्ट है यहाँ पे बहुत ही अच्छा है यहाँ पे जो एक यहाँ पे स्मैश डाउन यहाँ पे करता हुआ दिखाई दिया। तो एक प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट करने में रहे कामयाब, कॉल यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे, दो पर किस बॉल को यहाँ पे रिवाइव करने की कोशिश करते हुए दिखाई देने वाले, दो प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट करा, एक प्लेयर को यहाँ पे फिनिश ऑफ करके, और बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया गोस्ट की टीम के द्वारा, और नौ फिनिशिंग साथ खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। बैक टू बैक अब एक साइड पे दो प्लेयर और एक प्लेयर हमें दिखाई देते हुए लवी जो आगे टाइम पे बचे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पे 1v2v3 की सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी, और बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले बनता है, और चैलेंज को यहाँ पे नॉकआउट करने की कोशिश यहाँ पे होती हुई बहुत ज्यादा शानदार तरीके से थीप के स्पाइकी के द्वारा, दोनों प्लेयर यहाँ पे रिवाइव करने की अपनी कोशिश यहाँ पे हो चुकी है। राइट साइड से रोटेशन करते हुए जोन के अंदर बढ़ना कोशिश, बहुत ज्यादा रिटेलिएशन शॉट, लेकिन लवी पूरा तैयार बैठे हुए थे यहाँ पे, और जल्दबाजी में शॉट लिया गया, थोड़ा सा दिक्कत वाला मोमेंट होता हुआ दिखाई दे चुका था, और उमा को यहाँ पे नॉकआउट और फिनिश ऑफ किया जा चुका, और थर्ड लेवल पे हमारी टीम थीप की टीम यहाँ पे फिनिश ऑफ हो चुकी है। और क्रिएट हो चुकी है, और धीरे धीरे जोन के अंदर बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करते हुए एज गॉड थर्ड पार्टी करने की, मतलब सॉरी थर्ड पार्टी की जगह अगर मैं इसको गलती से बोल गया, शॉट यहाँ पे लेते हुए दिखाई दे रहा है लवी को, यहाँ पे नॉट आउट करता है, एक बहुत ही अच्छा कवर फायर देने की कोशिश यहाँ पे करते हुए राइट साइड पे बहुत ही बेहतरीन शानदार गेम प्ले यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया नॉकआउट की टीम का, और दो साइड से घेरा गया चक्रव्यूह रचा गया, जिसकी मैं लवी यहाँ पे फंसते हुए बहुत ज्यादा शानदार तरीके से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन नॉकआउट की टीम ने यहाँ पे लिया चिकन टिकन डायक एरंगल मीरा मार का टाइटल, और 7, 8, 9, 10, 11 फिनिशेस के साथ एक्सेलेंट गेम प्ले परफॉर्म करके बहुत ज्यादा बेहतरीन, और जो बैक टू बैक यहाँ पे हमें गेम प्ले को यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ था थंडरवॉल्व्स की टीम का बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले 5, 6, 7, 8 फिनिशेस के साथ, दैट्स द माइटीस्ट गेम प्ले ऑफ द मीरा मार, बहुत ज्यादा अग्रेसिव गेम प्ले। इसी गेम की खासियत और यही गेम की परफॉर्मेंस मुझे दिखाई देती, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे आईक्यू की कमी, क्योंकि देखिए जब भी कोई सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई दिखाई देती है, और 1v3 की सिचुएशन हो या 1v2 की सिचुएशन हो, तो वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट मोमेंट्स तो क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एक अच्छी टीम कोई भी चांस लेने की कोशिश नहीं करती है, और वो धीरे धीरे सामने वाली टीम्स को रोकने के लिए पूरा पूरा जरूर से जरूर प्रयास यहाँ पे करती हुई नजर जरूर आती है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आपने बहुत ही अच्छा एक माइंड ब्लोइंग प्रयास वहाँ पे किया, तो शायद वहाँ पे जो एक प्लेयर होता है वो एंड का वो थोड़ा सा डेंजरस साबित जरूर हो सकता है। तो वहाँ पे आईक्यू लेवल यही है कि आप दोनों प्लेयर कम से कम सॉरी और तीनों प्लेयर अच्छे से, अगर आप तीन के प्लेयर बचे हैं तो थोड़ा सा आप रोटेशन करके उस टीम को रोकने की कोशिश प्रयास यहाँ पे करेंगे, तो आपको बहुत 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 यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखाई देगा, और आपका वही यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया नॉकआउट्स की टीम के द्वारा बहुत ही अच्छी सूझबूझ कोऑर्डिनेशन कॉल्स के द्वारा, और बहुत ज्यादा फाइनेस्ट गेम प्ले हमें देखता हुआ बता हुआ। तो एक्सीलेंट कॉल्स यहाँ पे, फैंटास्टिक गेम प्ले सुपर्ब, और आप लोगों को बहुत 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 कंग्रेचुलेशन गेम प्ले यहाँ पे जीतने के लिए। तो मैं कैप्टन मैकलेन आपसे लेता हूँ यहाँ पे अलविदा, और मैं हूँ यहाँ पे एम्पायर ई स्पोर्ट्स से, और मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और आपसे मिलूंगा कल, और मैं मिलूंगा आपसे बाद में भी, और तो लेता हूं आपसे अलविदा यहां पे, और गुड बाय
शब गुड बाय एक्सीलेंट और गुड बाय नमस्कार खुदा हाफिज शब्बा खैर और शाबाश जबरदस्त जिंदाबाद जय हिंद वंदे मातरम अपना ख्याल रखिएगा मिलता हूँ लव यू ऑल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन क्लिक कीजिएगा अगर आपको गेम प्ले अच्छा लगा है तो बाय बाय मिलता हूँ वेलकम टू एम्पेज़ा ईस्पोर्ट्स As you all know about Empeza Esports and what we are known for, and if not, let me show you what do we do and what we are known for and what we have in our arsenal. Looking for an caster or a GFX designer, so you stumbled on the right video. Captain Mecklen. Everybody knows him as Captain, a professional versatile esports caster, a game analyzer, a game coach also. यहाँ पे फिनिश ऑफ हो चुके हैं तो दिक्कत का माहौल इस टीम के लिए बनता है शॉट जहाँ पे कवर लेने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाएंगे शॉट जाते हुए दिखाई देंगे डिवाइन को वन मोर शॉट एंड द गेम इज ओवर तो वो दिखाई दिया नियो के साथ लेकिन गेम प्ले को यहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश यहाँ पे जॉनी का बहुत ही लेजर स्प्रे देखने को यहाँ पे मिलता हुआ इस लेजर स्प्रे को देखने के तो दुनिया तरसती है बहुत ज्यादा एक्सलेंट वे में पुश लगाकर और अननोन को पूरा पूरा फिनिश ऑफ करने में रहे पूरे के पूरे कामयाब बर्निंग आउट एवरीबॉडी नोज हिम एज पाजी फर्स्ट हिमाचली स्ट्रीमर पंजाबी स्टाइल सुपर कास्टर एंड अ गुड गेमर की सिचुएशन यहां पे टीम नंबर 4 भी यहां पे जो थर्ड पोजीशन सिक्योर करने में यहां पे कामयाब हो चुके हैं लेकिन अभी देखते हैं कौन सी टीम यहां पे चिकन डिनर ले पाती है हार्ड कार्ड एडवांटेज की बात करें तो टीम नंबर 4 के ऊपर यहां पे हार्ड कार्ड एडवांटेज है लेकिन इनका जोन यहां पे कट चुका है टाइवोलियो नोन एज टाइवोलियो जीएफएक्स एडवांस्ड एनिमेटेड लोगो थंबनेल इंट्रो डिजाइनर वेल ट्रेंड मल्टी टैलेंटेड एडिटर Wild Raja, known as the backbone of M-Pesa, the manager, a gamer and the fixer, every esports stuff you need for your tournament and scrims, he can manage our organization. So hurry up, contact us, number and social media handles on the screen and in our description too. Thank you, stay tuned for more updates.